प्रॉपर सवाल एस सच नहीं होते खास ये बस बीच में कहीं कहीं यूज होगा तो वो हमें स्किल सीखना होता है कि इन इक्वेशन को डील कैसे करते हैं जो मेजर फॉर्मेट्स रहेंगे वो इनके रहेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिगोमेट्री की इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है कि ये काफ़ी जगह यूज़ होगा आप एक चीज़ सॉल्व कर रहे होंगे एंड में जाते जाते एक इक्वेशन बनेगी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी तो भैया अगर ये नहीं आता तो टॉपिक गया वो सवाल गया तो इस करके ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी जगह पे बीच बीच में क्रिएट हो जाती है ओके सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके बाद जो अगला चैप्टर है दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल सोल्यूशन ऑफ ट्रैंगल मतलब वो भी कई बार ट्रिगोमेट्री का पार्ट लिया जाता है बट आई एम टेकिंग इट सेपरेटली क्योंकि उसमें जो टूल्स हम सीखते हैं वो कंप्लीटली अलग हो जाते हैं ठीक है थोड़ी मैनिपुलेशन थोड़ी अलग हो जाती है तो हमने ट्रिगोमेट्री एक पूरा खत्म करेंगे आज अगला चैप्टर विल बी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और इन दोनों के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो मैं इस सेशन के बाद आपको बताऊंगा एक बहुत प्यारी चीज आपकी जरूरत के मुताबिक एक नई चीज लेके आ रहे हैं ठीक है तो चलो शुरू कर रहे हैं सेशन इसी के साथ -फट सब... तो तो, का रहेगा भैया अगर आप इलेवंथ में आपको पूरा सिलेबस कवर करना यूट्यूब पे बेस्ट ऑफ कंटेंट के साथ बेस्ट पी वाई क्यू डिस्कशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कशन विद भाई तो बेटा सब्सक्राइब करो ठीक है एंड येस आपकी तैयारी एंड तक यहाँ पे चलती रहेगी जैसे प्रेजेंट भी जो जेई ट्वेंटी के बच्चे हैं भैया उनका मेन कितना पोस्टपोन हो गया अभी तक जेई मेन चलता जा रहा है थर्ड अटैम्प्ट अभी फोर्थ अटैम्प्ट फिर एडवांस भी होगा बट हमारे चैनल पे हम उसको अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं उनको टॉपिक पढ़ाते हैं यानी कि आप पूरा डिपेंड कर सकते हैं हमारे साथ टिल यू जेई एडवांस का प्रेपरेशन इंक्लूडिंग एवरी गॉड ब्लेस यू ऑल यस हैश टैग पॉजिटिविटी

सिस्टम बनाया गया है जहां पर आप जो तो क्लास लगाएंगे आप रियल तो आपको लगेगा कि यार मजा ही आ गया क्या टूल्स है यहाँ पे क्या स्मूथनेस है और यस उसी की बदौलत रिजल्ट आते हैं इस बार जो जेई मेन के दो अटेम्प्ट हो चुके हैं नाइनटी नाइन परसेंटाइल से ऊपर थ्री जीरो सेवन बच्चे हैं और अट्ठारह बच्चों के हंड्रेड परसेंटाइल है इन वन और मोर सब्जेक्ट एवरी वन इन टू स्टूडेंट ऑफ टू फॉर जेई एडवांस दिस इज एडवांस का प्रॉपर रिजल्ट लास्ट ईयर की बात करूँ फाइव हंड्रेड फोर्टी एट सलेक्शन इन जेई एडवांस और ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है ना मतलब छोटी बात नहीं है मजेदार बात है हंड्रेड से ज्यादा बच्चों का एनटीएससी स्टेज टू क्लियर हुआ है के रेगुलर बच्चे। और ये वो बच्चे हैं जो आपके साथ क्लासेज में बैठेंगे क्योंकि इसी से क्लास का कंपटीशन पड़ता है सारे बच्चे आप ही के साथ क्लासेज में बैठ के क्लास लगाएंगे तो आपको भी पूछ करेंगे बेटा जी आपकी क्लास में एन स्कॉलर बैठे हैं टी स्टेज टू के बच्चे बैठे हैं तो आप भी पढ़ोगे उनको मैच करने के लिए राइट सो so, इनके साथ पढ़ो बढ़िया से एंड बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन से चलते हुए अपने स्कोर को इम्प्रूव करो जई नवाज को क्लियर करो और अगर आप एन स्टेज टू को एस्पायर करते हो तो भैया के को कैसे भूल सकते हो यस इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू बेटा के का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है सेकेंड ऑगस्ट से एंड बींग वेरीफ्रेंड आई एम लिटिल लेट इन टेलिंग यू थोड़ा मेरे एंड पे डिले हो गया और ये एक्चुअली इसका जो कोर्स था ये कुछ टाइम पहले ओपन हो चुका था बट uh, मैं आपको बताने में लेट हो गया एम रियली सॉरी फॉर दैट बट येस मैं जो आया हूँ बहुत सही टाइम पे आया हूँ आपको बताने के लिए ये जो के वी का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है सेकेंड अगस्त से जिसमें 80 सेशन होने वाले हैं 10 पार्ट टेस्ट 5 फुल टेस्ट होने वाले हैं के ए बी पी के पैटर्न पे मॉक टेस्ट 20 असाइनमेंट पर सब्जेक्ट मिलने वाले हैं पी सी एम बॉटनी जोलॉजी सब कवर होने वाला है वो अब सिर्फ फोर थाउजेंड रुपीज का है बट यस इट इज फॉर लिमिटेड सीट ये एक्चुअली पहले सिक्स थाउजेंड का था अभी बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए इसको फोर थाउजेंड किया गया है तो अगर आप के को एस्पायर करते हो जो कि मेरे ख्याल से इलेवंथ में तो बनता ही ही है इलेवंथ में आप केवीपी को जरूर ट्राई करो ट्वेल्थ में नो डाउट थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि साथ में जेई का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है इलेवंथ में तो केवीपीवाई अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो केवीपीवाई क्लियर करना भी आसान है क्योंकि इलेवंथ में कट ऑफ थोड़ी लो जाती है एंड सेकेंड आप सीखते बहुत कुछ हो के की प्रेपरेशन के ड्यूरिंग तो आप ऐसे जो बच्चे के वी को एस्पायर कर रहे हैं बेटा सारे के सारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो बच्चे कह रहे हैं आवाज थोड़ी सी कम है तो आवाज़ हम बढ़ा देते हैं बेटा लो बेटा आवाज़ तो फुल है बेटा फुल आवाज़ टेंशन ना लो एंड इसके लिए करना कुछ नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको बस उस पर लिखा होगा के वी पी वाई एस ए यहाँ रखना इलेवंथ के बच्चे एस ए देते हैं ट्वेल्थ के बच्चे एस एक्स देते हैं तो आपने के वी पी वाई एस ए का लिंक क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करते ही तुम्हारे भाई का कोड लग जाएगा प्राइस फॉल करके फोर थाउजेंड पे आ जाएगा, बस पेमेंट करते ही आपका एनरोलमेंट हो जाएगा जो बच्चे मेरे जैसे थोड़े बहुत नादान है जिनको ये टेक्निकल अजीब लगती है तो लिंक कैसे क्लिक करते हैं क्या हाँ होता है मैं भी बहुत मतलब टैक्से भी नहीं हूँ बड़े बुरे हाल है मेरे भी बट यस yes, तुम्हारे लिए मैंने सीखा हुआ है तो मैं सेशन के एंड पे तुमको प्रॉपर इसी सेशन का डिस्क्रिप्शन ओपन करके दिखा दूंगा कि वो लिंक कौन सा है उसको क्लिक करके एनरोल कैसे करना है ठीक है बाकी जो आपकी चॉइस है वो करो बट के वी पोई देना जरूर है फिल जरूर करना और आपको तैयारी जरूर करनी है राइट तैयारी आप यहाँ पे करो अपने आप करो वो आपको चॉइस है बट येस जरूर दो इलेवंथ में क्योंकि इलेवंथ में के वी पे क्लियर करना भी आसान है और उसके बहाने आपकी तैयारी बहुत उठ जाती है अच्छी सी ठीक है गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अब हम फटाफट सैशन की ओर बढ़ेंगे चलो तो बेटा तुम करोगे आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ठीक है तो मेरा भाई मेरा भाई पुलौन एनर्जी को चैट में ले आओ फिर हम ये टॉपिक आज का शुरू करने लगे यार उधर क्यों चले जाते तो आ जा। आ गया। आ गया। तो हैं है कि भैया और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बैठी होगी और तुमको एक्स निकालना होगा तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज रिवाइज करते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक कितनों को याद है साइन थीटा, थीटा डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पूरा यूनिट सर्कल अगर पे थीटा एंगल बनाते हो तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस्ट थीटा होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर वन में यहां से हमने शुरू किया था कि ये डेफिनेशन है थीटा थीटा की एग्जैक्टली इसके बेस पे बस इसी के बेस पे पहले पांच छह चीजों को ऑब्जर्व करेंगे पहले पांच चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, करेंगे प्योर इसी के बेस पे ठीक है फिर आगे गाड़ी बढ़ाएंगे आ जाओ जरा ये मैंने यहां बनाया हुआ है आप ही के रिकॉल के लिए मैं लिख देता हूं आपको याद होगा ये पोजीशन कौन सी होती है सर 2n पाई याद है इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये पोजीशन कौन सी होती है सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n 1 पाई ये दोनों बच्चों को कभी नहीं भूलते बट ये वाली पोजीशन थोड़ी सी भूल जाती है तो लिख देता हूं ये पोजीशन होती है फोर एन प्लस वन पाई बाई टू फोर एन प्लस वन पाई टू ऐसे देखने में शायद आपको अजीब लगे बट ऐसे देखने में अजीब नहीं लगेगी टू एन पाई प्लस डायरेक्शन है पाई बाई टू अब टू पाई एड करते जाओगे मुड़कर यहीं पे आते रहोगे सो फोर एन प्लस वन पाई बाई टू कह दो या टू एन पाई प्लस फाई बाय टू कह दो और सबसे इधर की पोजिशन फोर एन माइनस वन पाई बाई टू कह दो राइट माइनस फाइव बाई टू फिर टू पाई करते रहो यही पे आते रहोगे बार बार तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले कहूंगा ही नहीं दीज आर नॉट फॉर्मूले ये तो आप डेफिनेशन से ही ऑब्जर्व कर लेते हो जिस चीज को मैं डेफिनेशन से ऑब्जर्व कर सकता हूँ उसको फॉर्मुला थोड़ी कहूंगा तो आओ डेफिनेशन से फटाफट ऑब्जर्व कर लेते साइन थीटा जीरो यहां पे y जीरो पे y जीरो है तो पाई के मल्टीपल में साइन थीटा जीरो होता है पाई, अच्छा। कॉस थीटा जीरो जीड़। कब होगा Cos थीटा कब होगा? सर जी यहां पे x जीरो है यहां पे x जीरो है पाइबा टू का मल्टीपल ऊपर की ओर पाइबा टू नीचे की और, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय

टू एन फाइव कॉस्थीटा माइनस वन बहुत सही जा रहे हो कॉस्थीटा माइनस वन जरा देखो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन है सर जी यहां पे है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन ये कौन सा एंगल है टू एन प्लस वन बाई ये मैंने बता दिए अब ई पार्ट मेरे को तुमसे चाहिए ई पार्ट का जवाब तुम दोगे ई पार्ट का जवाब मुझे पता पहले भी जवाब तुम्हें दिए हैं पर ये पार्ट तो मुझे स्पेशली तुमसे चाहिए साइन थीटा वन कब होगा देखो जरा वाई कोऑर्डिनेट वन कहां पे होता है वाई कोऑर्डिनेट वन कहां पे होता है साइन थीटा यानी कि वाई कोऑर्डिनेट वन यहां पे होता है थीटा आय शाबाश सर जी फोर एन प्लस वन पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस टू एन पाई ओपन कर दो ब्रैकेट को पाई बाई टू प्लस तू अगला तो फिर बेटा आपने खुद ही ही लिख दिया तो तो टेंशन खत्म हो गई। ये तो ये जो वैल्यूज़ मैं कतई नहीं कह और इसकी जरूरत हमको मैक्सिमम पढ़ने वाली है इससे पहले कि हम इसके सवाल करेंगे करें फटाफट पर मुझे पहले बेसिक सा एक नजारा दिखाना है बेसिक सा नजारा कि हम क्या खेलेंगे इस चैप्टर में आओ पहले नजारा देखें इफ साइन थीटा इज वन बाय रूट टू एंड कॉस थीटा इज माइनस वन बाय रूट टू तो थीटा बताओ क्या होगा ठीक है अभी रुक जाओ थोड़ी ही देर बाद इसी सवाल को हम अलग तरीके से भी कर पाएंगे ठीक है जहां पे प्रॉपर मेरे पास फॉर्मूले होंगे बट अभी के लिए तो मैं डेफिनेशन से कर रहा हूं ध्यान से देखना ये मैंने बनाया सर्कल ये बनाया सर्कल राइट Circle लग नहीं रहा बट सर्कल मान लो कहता है थीटा होना चाहिए एक कंप्लीट कंप्लीट सर्कल सर्कल, में वन यानी कि से मैं देखो तो थीटा दूसरा बनता है इसके सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री नहीं भूलना साइन थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं ये तो, तो जो अगर हम बात करें थीटा एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल और इसको अगर बोला जाए जनरलाइज कर दो तो दोनों में टू एंड पाई ऐड कर दो फोर्टी फाइव डिग्री फिर फोर्टी फाइव डिग्री प्लस थ्री सिक्सटी फिर 45 डिग्री प्लस टू इंटू थ्री सिक्सटी बिकॉज आफ्टर वन कंप्लीट राउंड आप मुड़कर उसी जगह पे दोबारा पहुंचते हैं सबको तो याद है ना पहले सेशन में पढ़ा हुआ नहीं है यहां से अगर कंप्लीट राउंड लगाएंगे मुड़ के यहीं पहुंच जाएंगे और कंप्लीट राउंड मतलब टू पाई को एड करना तो इसका जो आंसर है अब मेरे वर्ड ध्यान से सुनना इसका जो आंसर है वो है ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन बाय पोजीशन आई मीन 45 टू एन पाई वन थर्टी था फाइव प्लस टू एन पाई अब दूसरे थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू ज्यादा नहीं लेनी ये कहां पे होता है सर जी सेकेंड और थर्ड पे होता है तो, पे तो एंगल बता सकते हो ना वन थर्टी फाइव डिग्री कॉस ऑफ वन थर्टी फाइव इज माइनस वन बाय टू ऐसे और एक थर्ड क्वार में आ जाएगा टू ट्वेंटी फाइव बन जाएगा वन एटी प्लस फोर्टी फाइव राइट एक यहां पे आ जाएगा आपसे पूछा गया था कॉमन वैल्यू एंड एंड का मतलब दोनों का कॉमन सोल्यूशन बताओ इंटरसेक्शन बताओ इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बेटा सबने बिल्कुल सही जवाब दिया इंटरसेक्शन क्या है सर जी ये आ रहा है कॉमन पार्ट 135 पे आ रहा है कॉमन पार्ट तो आंसर आएगा 135 मैं थ्री फाइव बाई फोर लिख देता हूं अब जनरलाइज करना मत भूलना प्लस टू एन फाइव एन इज एनी इंटीजर यहां पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया कोई मेथड नहीं कुछ नहीं सिर्फ अपनी अक्ल लगाई है डेफिनेशन लगाई है और कुछ नहीं किया थोड़ी देर बाद इन्हीं को हम फॉर्मुले से भी करेंगे हमारे तो पास फॉर्मूले आ जाएंगे

ये रहे पहले कुछ सवाल जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं पहला सवाल देखो साइन थ्री एक्स जीरो, है। जीरो है। और मुझे बोला गया एक्स जीरो से पाई निकालते हैं फॉर एक्स बोला है एक्स निकाल है यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं तुमको पता है साइन थीटा जीरो कब होता है सर जी साइन थीटा जीरो तब होता है जब थीटा जो है वो एन पाइव होता है जब थीटा जो है एन पाई होता है वेयर एन इज एनी इंटीजर वेयर एन इज एनी इंटीजर अकेला जीरो नहीं बोलना बेटा वेरी गुड एन पाई जनरल बात करेंगे जनरल अब अब वो बच्चों वाले काम नहीं रहेंगे साइन ऑफ जीरो जीरो किसी भी पाई के मल्टीपल पे साइन जीरो होता है अब तो एक्स क्या आ गया ये आ गया बट क्या बट क्या उसने पूरा सॉल्यूशन पूछा है नो उसने सिर्फ ये वाले एक्स पूछे हैं कि जीरो से पाई में बताओ कितने आंसर आ रहे हैं जीरो से पाई में बताओ तो यहां है मेरे इनमें से वो मुझे रखने हैं जो जीरो से पाई में आते हैं एन को जीरो रख सकते हैं वन रखो बीच में आ रहा है टू रखो बीच में आ रहा है थ्री रखो बीच में आ रहा है फोर के लिए बाहर चले गए माइनस वन रखा तो भी बाहर चले गए तो ये चार आंसर आए आइडिया क्लियर उसने पूरा नहीं पूछा पूरे में से बस इतना पूछा था इसके अंदर बताओ क्या आंसर आ रहा है तो इस तरह से चल रहा है एक बच्चा बहुत देर से कह रहा है इंक्रीज योर वॉइस पता नहीं इसको मेरी आवाज से कितना प्यार हो गया मुझे माना पता है बेटा मुझे कि भगवान ने मुझे बख्शा है इस सुंदर मधुर आवाज से बट ऊंची बोलने से ज्यादा मधुर थोड़ी हो जाएगी बेटा जरा चैट में बताओ जरा मेरी आवाज आपको क्लियर सुन रही है या धीमी है मेरी आवाज आपको क्लियर सुन रही है या धीमी है थोड़ा लो है सर आवाज क्लियर है आवाज क्लियर है सर माइक शर्ट पे लगा लो या माइक शर्ट पे लगा तो ना थोड़ा लो है मिक्स है चलो अब तुम कहते हो तो शर्ट पे लगा लेता हूँ अब फिर तुम कहोगे सर हमारी आवाज नहीं आपने चलो तुम कहते हो तो लगा देता हूं। एक्चुअली मैं सामने रख के ना थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा खेल ज्यादा पाता हूँ आगे पीछे इधर उधर दौड़ पाता हूं अब तुमने पहनने पे मजबूर कर दिया तो दौड़ कम पाऊंगा चलो कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं अब तो ठीक हो रहा होगा आप तो मेरी आवाज मधुर सुन रही होगी कहो तो दो गाने की लाइनें गुनगुना देता हूं आ जाओ हम्म ये मौसम ये रातें, नदी का किनारा ये चंचल हवा आ जाओ साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो क्या बात है आज की चांदनी में के हम खो गए रात की रागनी में ना हो ना है है ओए मत इधर आओ तो हमें दिया है, साइन एक्स साइन एक्स जीरो होना चाहिए और एक्स जीरो से टू पाई में पूछा गया है अब तुम मुझे सच्ची बता दो डोंट यू थिंक तुम्हारे दिल से आवाज आ रही है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो क्योंकि अगर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हुआ तो मैं कह दूंगा आइदर दिस इज जीरो और दैट इज जीरो करो ना प्रोडक्ट क्यों नहीं कर रहे टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू हो गया खत्म ऑलवेज प्रोडक्ट प्रेफर्ड ऑलवेज प्रोडक्ट प्रेफर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो मीन आइर दिस इज और दैट इज जीरो सवाल वहीं पे निपट जाता है ओके okay, तो यहां से क्या आ गया टू एक्स इक्वल टू एन पाई तो x आ गया n पाई बाई टू एन इज एनी इंटीजर ये आ गया जनरल सोल्यूशन इसका लाइन साथ में ही आ गई बेटा तू हट जा अब आ जाओ इधर इधर क्या मिला बेटा कॉज एक्स जीरो कब होता है पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे x इक्वल टू अच्छा सुनो मेरे को लिखना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू कह दूं टू के प्लस वन पाई बाई टू कह दूं टू एम प्लस वन पाई बाई टू कह दूं किसी को दिक्कत तो नहीं नहीं सर एक ही बात है तो बस बेटा क्योंकि मैं एन यहां पे यूज कर चुका हूं तो यहां पे मैं टू एम यूज कर रहा हूं where M is any integer. तो यह सोल्यूशन गए ये मेरे आगे जनरल सोल्यूशन ये मेरा सोल्यूशन है ये मेरा सोल्यूशन है ये पूरा मेरा सोल्यूशन है पर मुझे सारा पूछा ही नहीं गया मुझे सिर्फ वो पूछा गया जो जीरो से टू पाई में है तो इनमें से बस जीरो से टू पाई वाले लिख लो आ जाओ N को पुट करना शुरू करो जीरो आ जाएगा पाई बाय टू आ जाएगा पाई आ जाएगा थ्री पाई बाय टू आ जाएगा टू पाई आ जाएगा यहां से चार मिल जाएंगे बाकी नहीं मिलेंगे कोई भी अब यहां पे आ जाओ एम को पुट करना शुरू कर दो तो यहां से क्या क्या मिलेंगे पाई बाय टू के मल्टीपल पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू फाइव पाई बाय टू सेवन पाई बाय टू और सेवन पाई बाय टू तो बड़ा हो गया फाइव पाई बाय टू भी बड़ा हो गया यार वैसे ना एक बात बताओ एक बात बताओ एक बात बताओ तुम्हें नहीं लगता एक एक बात बताना, तुम्हें नहीं लगता यहां पे थे बाय टू के सारे मल्टीपल और यहां पे था बाय टू का ऑड मल्टीपल जब हम यूनियन करेंगे तो यही नहीं आ जाएगा ये वाले तो इसमें बैठे ही होंगे भाई ये अकेले ऑड मल्टीपल ऑफ फाइबर टू ये सारे मल्टीपल ऑफ बाय टू है इनका यूनियन तो यही आने वाला है तो फिर तो यही ना खत्म हो गया था यही मेरा आंसर था ये तो इसमें कंटेंड होंगे बोला ऐसे टाइम पास टाइम पास और कुछ नहीं सेम भी आ सकते थे अंदर आके अलग भी आ सकते थे शाबाश ग्रेट तो सीखा क्या प्रोडक्ट इज ऑलवेज प्रेफर्ड ये हमने सीखा अब इसमें क्या है कॉ थीटा इक्वल टू वन थीटा जीरो से फोर पाई थीटा पूछा है मुझसे तो मेरे को लगता है कि इसमें ना ये कर सकते हैं

तो जीरो से फोर पाई में आ जाएंगे जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई खत्म तो ये हो गया बिल्कुल हलवा तो हमारा बेस बनना शुरू हो गया अभी तक मैं फिर बता दूं मैंने कोई मेथड नहीं सीखा है कोई फॉर्मूला नहीं सीखा है अभी तक सारे सवाल मैं अकल से सॉल्व कर रहा हूं कुछ भी नहीं सीखा अभी सीखना है हमने अभी सिर्फ बेस बना रहे हैं बेस में इतना सीखा कि कुछ जगह अकल लग जाती है फिर हमने सीखा कि आ, अगर आ, सम और प्रोडक्ट की बात करें प्रोडक्ट प्रेफर्ड रहता है यार प्रोडक्ट जीरो है तो चीजें आसान है फिर हमने सीखा कि अगर माइनस थीटा जीरो है तो थीटा भी जीरो होता है यानी कि मैं इस स्टेप को खा सकता हूं फिर हमने सीखा कि जब बच्चा मुझको चैट में ऐसा बोलेगा तो मैं मजाक मजाक में ऐसे बोल दूंगा कि बेटा माइनस उधर जीरो तो माइनस खत्म हो गया तो एक स्टेप खा सकते हो ओ आ गया हो यहां तो राइट हैंड साइड जीरो ही नहीं है यहां तो राइट हैंड साइड जीरो नहीं है सर मेरे एग्जिस्टिंग वर्ड काम नहीं आएंगे एग्जिस्टिंग वर्ड फंस जाएंगे सर यहां पे चलो देखो अभी हमें कोई मैथड तो सिखाया नहीं गया राइट right? अभी तक तो मेरे को चीजों को आराम आराम से छोटा छोटा करके देखना आता है तो जितना सिंपलीफाईड ये क्वेश्चन का पर्पज -पर सुन लो परपज है कि कॉन्फिडेंस नहीं गिरना बिल्कुल अगर मैंने इसके आगे भी नहीं सिखाया तो मे भी ही था कि इसको पंगे पुंगे लेके अच्छा बन रहा होगा लेट ट्राई टू मेक इट समथिंग कि जो अच्छा हो पहली चीज आ रही है कॉमन निकाल सकते हैं ये दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन अंदर आ रहा है साइन अच्छा जी इक्वल टू थीटा और ये साइन टू थीटा ओ इतना बुरा नहीं बन रहा है वैसे ये साइन टू थीटा बन रहा है ये कॉस टू थीटा बन रहा है ये और नो इसको टू लगा दिया ऐसे ये बन गया साइन टू थीटा ये बना माइनस कॉस टू थीटा माइनस माइनस कॉस टू थीटा वन बाय टू वही तो साइन फोर थीटा बन गया वो तेरी उस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस माइनस को उधर ले गए टू को क्रॉस मल्टीप्लाई साइन फोर थीटा और साइन माइनस वन कब होता है ये तो मेरे को पता है नीचे की ओर साइन माइनस वन होता है नीचे की ओर फोर एन माइनस वन पाई बाई टू एन बिलोंग्स टू इंटीजर तो आंसर आ गया फोर एन माइनस वन पाई बाय एट एन बिलोंग्स टू इंटीजर यही मेरा आंसर इसमें जनरल पूछा है जनरल पूछा हुआ है तो यही मेरा आंसर है किस किस को क्वेश्चन का पर्पज क्लियर हुआ मेरे को अभी ऐसे सवालों को डील करना नहीं आता था मैंने जितने सवाल अभी तक किए उसमें राइट हैंड साइड ज़ीरो था तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ रहा था और कह रहा था कि प्रोडक्ट ज़ीरो है तो आइर दिस इज जीरो और दैट इज़ ज़ीरो इसके लिए मुझे कोई टूल नहीं था बट मेन क्या था हिम्मत नहीं हारी चलो तो लोग थोड़ा इधर उधर लेके जाते हैं कॉमन निकालते हैं शायद अच्छा बन जाए और फाइनली वो अच्छा बना तो ये जो ये जो आपने कॉन्फिडेंस मेंटेन किया ये इस चैप्टर में बहुत रिक्वायर्ड है कुछ जगह पे आपको इनिशियली समझ ही नहीं आएगा करूं क्या बट मूवमेंट यू स्टार्ट कुछ सिंप्लीफिकेशन करोगे इधर उधर हाथ मारोगे चीजें अच्छी बन जाएंगी तो वो आपने बना के रखना है शाबाश सो so, ये रहे बेटा फॉर्मूले जो आपके पहले फॉर्मूले और कह सकते हो काइंड kind ऑफ of आखिरी फॉर्मूले ठीक है इसको समझते हैं है पहले पढ़ लो फिर, फिर समझते हैं फॉर्मूला कहता है अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा जो है वो एन पाई प्लस माइनस वन पार एन अल्फा होगा कुछ रिजल्ट लिखा है दूसरा रिजल्ट कहता है अगर cos theta, cos के है, तो पाई प्लस अल्फा होगा रिजल्ट कहता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा एक रिजल्ट है ये एक रिजल्ट है इस रिजल्ट को पहले तो समझना कैसे याद कैसे रखना है यूज कैसे करना है ये सुनो ध्यान से ठीक है आ जाओ ये रिजल्ट ये कहता है बेटा जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे ही समझना वैसे ही याद करना तो सवालों में कंफ्यूजन नहीं होगा अगर दो एंगल्स का कॉस बराबर है अगर दो एंगल्स का कॉस बराबर है तो उन दो एंगल्स में ये रिलेशन होगा तो उन दो एंगल्स में ये रिलेशन होगा फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस थीटा कॉज पाई बाई थ्री के बराबर है अगर कॉस थीटा कॉस पाई बाई थ्री के बराबर है तो थीटा और पाई बाई थ्री में ये रिलेशन होगा थीटा इक्वल टू टू एंड पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री याद कैसे करना है समझ आया याद कैसे करना है ऐसे याद करना है तो अगर दो एंगल्स का कॉस बराबर तो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन दो समझना बहुत जरूरी है तो अगर मैं आपसे पूछता सवाल में मैं 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 आपसे पूछता पूछता उल्टा पूछता, मैं कहता सॉल्व फॉर और इक्वेशन दे देता कॉस एक्स इक्वल टू हाफ तो आप कैसे सॉल्व करते मैं आपसे एक्स पूछ रहा हूं कॉज एक्स हाफ दे दिया तो आप क्या करते आपको ये ना रिजल्ट आता है तो आपने सोचा कि दोनों साइड पे ना कॉस कॉस ले आता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं हाफ को लिख दूंगा कॉस पाई बाई थ्री जैसे ही मैं दोनों साइड पे कॉस कॉस ले आया मुझे एक्स रिजल्ट से मिलेगा एक्स विल बी टू एंड पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री ये मेरा आ गया जनरल सॉल्यूशन। आइडिया चमका कि क्या करने वाले हैं हम आइडिया चमक गया करने क्या वाले हैं तो दोनों साइड पे अगर आपने कॉस कॉज क्रिएट कर दिया आगे का काम फॉर्मूला करेगा दोनों साइड पे साइन साइन क्रिएट कर दिया तो आगे का काम फॉर्मूला करेगा दोनों साइड पे टैन टैन क्रिएट कर दिया आगे का काम फॉर्मूला करेगा ठीक तो ये पहले फॉर्मूले की लिस्ट है ओके तो सर थोड़ा डेरिवेशन बता दो हालांकि सर आना तो कहीं नहीं है बता दोगे मजा आ जाएगा तो डेरिवेशन का पहला स्टेप बता रहा हूं आगे आप कहोगे शिट ये तो आगे हम कर ही लेंगे बहुत घटिया डेरिवेशन है बेटा बहुत ही घटिया किस कलर से लिखे हम लिखेंगे ग्रीन कलर से ये अगर गिवन है और ये प्रूव करना है तो कैसे करेंगे बेटा जी अगला स्टेप तुम बताना मुझे इसके आगे क्या करूं बताओ तुम बताओ मुझे थीटा को अल्फा की टर्म्स में निकालना था मैं इसको उधर लेके गया ये बना इसके आगे क्या प्रेफर्ड है तुम बता दो चैट में मजा मजा आ जाएगा। क्या करूंगा अगला स्टेप ऑब्वियस स्टेप क्या है ऑब्वियस स्टेप बताओ को यहां से सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन सर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू आधर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो वहां से जो आंसर निकालोगे वो ऐसा बन जाएगा खत्म हो गया तो इसका डेरिवेशन कुछ भी नहीं है तो डेरिवेशन की टेंशन आपने लेनी नहीं है आपने फॉर्मूला याद रखना है और उसको यूज कैसे करते हैं ये सीखना है तो आ जाओ फार्मूला अब लगाना तो बेसिक तो सीख लिया सवालों में देखते हैं अभी के लिए मैं एक बार बता देता हूं धीरे धीरे याद हो जाएंगे ये साइन का हो गया कॉस का और टेन का अगर इनके स्क्वायर बराबर हो साइंस स्क्र थीटा साइंस के अल्फा के बराबर हों कॉस्र थीटा कॉस के अल्फा के या टेन्स थीटा टेंस के अल्फा इन तीनों में सेम ही रिलेशन आता है तीनों में सेम रिलेशन एक जगह पे इसको यूज करके दिखाऊंगा तुमको ठीक है 99 परसेंट यही यूज होना है 1 परसेंट ये यूज होगा वहां पे यूज करके बताता हूं कि कैसे यूज करते हैं तो आप पहले इनको यूज करते हैं, आ जाओ चार पांच सवालों से फटाफट यूज करना सीखेंगे आओ 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 कहता सॉल्व करो कॉज एक्स इक्वल टू माइनस हाफ और कहता एक्स बताओ वह तो सच्ची मतलब ना झूठ मत बोलना सच्ची बोलना अगर मैं तुमसे सिर्फ जीरो से टू पाई में पूछ रहा हूं तो विदाउट एनी फॉर्मूला भी बता सकते हो ना सच्ची बोलो विदाउट एनी फॉर्मूला बता सकते हो ना या तो सर्कल से देख लोगे या कॉस की ग्राफ से देख लोगे या कॉस के ग्राफ से जीरो से टू पाई तो एक ही राउंड है यार वहां तो देख ही लूंगा कॉस कब कब माइनस ऑफ होगा सेकंड और थर्ड क्वार में होगा तो वन एटी माइनस सिक्सटी और वन एटी प्लस सिक्सटी वन ट्वेंटी और टू फोर्टी डिग्री मेरे आंसर आने वाले हैं पर चलो अभी हम सॉल्विंग कर रहे हैं हम फॉर्मूले सीखे तो फॉर्मूले से करेंगे आ जाओ तो जब भी ऐसे होता है हम क्या करते हैं हम इधर की चीज को कॉस में लिखते हैं इधर की चीज को कॉस में लिखते हैं तो कॉस लिखना है माइनस हाफ कैसे लिखे सर कॉस ऑफ टू फाइव बाई थ्री वन ट्वेंटी डिग्री लिख लो सर कॉस ऑफ टू फोर्टी डिग्री लिख सकते हैं हाँ वो भी लिख लो मर्जी आंसर फाइनली सेम आने वाला है तो माइनस आपको या तो कॉस 120 लिख लो या कॉस 240 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनल आंसर सेम आना है चलो जैसे ही मैंने इसको कॉस में लिख लिया अब आगे का काम करेगा मेरा फॉर्मूला फॉर्मूला कहता है अगर दो एंगल्स के कॉस बराबर हैं तो उन एंगल्स में रिलेशन होगा ये आइडिया क्लियर अगर दो एंगल्स के कॉस्ट बराबर है तो उनमें रिलेशन होगा ये खत्म तो मेरे पास एक्स का वैल्यू आ गया क्या मुझे सारे एक्स पूछे है? नो मुझे पूछे सिर्फ जीरो से टू पाई तो बेटा ठीक है टू एन पाई प्लस टू पाई बाय थ्री और दूसरा आंसर है टू एन पाई माइनस टू पाई बाय थ्री यहां पे एन को पुट करो जीरो वन टू थ्री जो आंसर उसके अंदर आ रहे हैं रख लो जो नहीं आ रहे भाड़ में गए लो जी एन को जीरो पुट किया तो टू पाई बाय थ्री वन पुट किया अरे बड़ा हो गया टू पाई से बड़ा तो जाना ही नहीं टू पाई क्या है जाना ही नहीं मेरे को इधर आ जाओ जीरो पुट किया तो बना माइनस टू पाई बाई थ्री नेगेटिव नहीं चाहिए पुट करो टू पाई टू पाई फोर पाई अंदर आ रहा है भाई अब टू पुट कर दो फोर पाई माइनस टू पाई बाय थ्री बड़ा हो गया दो आंसर आ रहे हैं दो आंसर आ रहे हैं या सोनो खत्म यहां से टू पाई बाय थ्री यहां से फोर पाई बाय थ्री बाकी सारे बाहर जा रहे हैं बाकी सारे ही बाहर जा रहे हैं एग्जेक्टली exactly. तो ये है आइडिया इस पूरे टॉपिक को फॉर्मूले को लगाने का इन दोनों ये दोनों मेरे आंसर है एग्जैक्टली exactly. अगला सवाल देखो इसमें पहले स्टेप में हालत खराब पहले स्टेप में हालत खराब दोनों तरफ कॉस कॉस दिख रहा है पर जिसको प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट याद है ट्रांसफॉर्मेशन याद है उसको पता है फाइनल एंगल देखने होते हैं C प्लस डी बाई टू सी माइनस डी टू और यहां पे C माइनस डी टू बहुत अच्छा है X आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा चीजें तो बेटा इसको लगाओ ट्रांसमेशन फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाय टू अब यहां पे सुनो एक ऐसा स्टेप जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं मैक्सिमम बच्चे बहुत बच्चे गलत करते हैं जैसे ही ये लिखते हैं ना बच्चे जैसे ही लिखते हैं सर ओ यार तभी नहीं पहनता मैं पूरी तारी हिल गई ओके आवाज क्लियर है कैमरा पूरा मैंने हिला दिया बेटा तभी मैं पहनता नहीं बेटा मेरे ना पैर में अटक जाती है ये एक मिनट दो में को जरा थोड़ा ठीक करूं ओके आई सपोज इट इज ओके नाउ ऑलमोस्ट ओके ऑलमोस्ट ओके चलो आ जाओ आ जाओ नहीं बेटा काट नहीं सकते तार को देखो तार तो इंपॉर्टेंट है जाओ सो कॉमन मिस्टेक कट कट अच्छा इसको कह रहे थे हाँ कैंसल आउट ना गलती है जब आपने इसको कैंसिल किया आपने कर लिया इट इज नॉन जीरो हाउ कैन यू जूम इट इज नॉन जीरो जब भी सॉल्यूशन निकालना होता है जब भी आपने सॉल्यूशन निकालना होता है कभी भी कैंसिल नहीं किया जाता एक साइड पे लेके आते हैं एक साइड पे लेके आओ कॉमन निकालो ऐसे इसको इधर लेके आए कॉमन निकाला एंड यहां से दो सॉल्यूशन बने कॉज एक्स इक्वल टू जीरो और कॉज थ्री एक्स क्वल टू वन कभी भी सॉल्व करते वक्त टर्म को कैंसल नहीं करना <laughs> सॉरी कभी भी सॉल्व करते वक्त कैंसिल नहीं करना तो बट आंसर आ गया तो मुझे पता है, जीरो होता है टू एन प्लस वन पाई बाई टू मुझे पता है थ्री एक्स कॉसिटा वन कब होता है थ्री एक्स इक्वल टू टू एम पाई क्या मैं यहां पे फॉर्मूले लगाऊंगा नहीं ये तो मुझे वैसे ही पता है कॉस थीटा जीरो कब होता है कॉसा वन कब होता है ये तो हमने बिगिनिंग में पी लिया था अच्छे से पी लिया था और यहां मुझे पूरा सॉल्यूशन पूछा गया कोई इंटरवल नहीं दिया गया तो यहां से X क्या आ गया 2m pi by 3. इन दोनों का यूनियन इज माय आंसर तो आंसर लिखेंगे ऑर्ड मल्टीपल ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू यूनियन टू एम पाई बाई थ्री दिस इज माई आंसर दिस कंप्लीट इज माई आंसर आ गए नजारे ठीक <laughs> ओए आजो अगला सवाल सॉल्व द फॉलोइंग अरे यार ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है मतलब दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स क्योंकि यहां से एक चीज तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस क्वेश्चन से पर्टिकुलरली एक कंसेप्ट होने वाला है सुनो इसको ना लोग अलग अलग तरीके से करते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ध्यान से देखना मैंने इतना सोचा बस इतना सोचा अगर इधर भी कॉस होता तो मैं फॉर्मूला लगा देता डू यू एग्री अगर इधर भी कॉस होता तो फॉर्मूला लगा देता पंगा था कि साइन है यहां पे, तो क्यों इसको कॉस में लिख दें? कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स लिख सकता हूं कॉस में लिख देते हैं भैया तो अब तो मुझे पता है अगर दो एंगल्स के कॉस बराबर हैं तो उन दो एंगल में रिलेशन क्या होगा टू एंड पाई प्लस माइनस ये थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा इंपॉर्टेंट इसकी जरूरी नहीं कि वो एंगल जो कांस्टेंट हो दे कैन बी दे कैन बी एनीथिंग, एनी मैटर. पॉइंट इसकी इन दोनों का कॉस अगर बराबर है तो इन दोनों में रिलेशन ये होगा बस ये इंपॉर्टेंट है अगर कॉस थीटा और कॉस अल्फा बराबर है तो थीटा टू पाई प्लस माइनस अल्फा होगा इनरिस्पेक्टिव ऑफ थीटा अल्फा जो मर्जी हो कॉन्स्टेंट वेरिएबल फलाना ठिकाना सब कुछ तो बेटा एक बार प्लस ले लो माइनस ले लो दो आंसर आ जाएंगे पहले प्लस ले लो फोर एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स और एक बार यहां माइनस ले लो फोर एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स तो यहां से आंसर क्या आ गया बेटा ये बना फाइव एक्स फाइव को डिवाइड किया एक्स इक्वल टू टू एन पाई बाई फाइव प्लस पाई 10 टेन ये आगे पहले जवाब सारे इधर क्या बना ये बना माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स तो टू एन पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स एक चीज लिखना मत भूलना एक चीज लिखना मत भूलना एन जो है वो एनी इंटीजर एन इज एनी इंटीजर गॉड यू बेटा खुश रहो लव यू सो ये जो है ना ये अकल ये जो आपने लगाई अगर आपने इसको पी लिया मतलब आपको फॉर्मूले का इसेंस समझ आ गया, फॉर्मूले का एक्चुअल मतलब समझ आ गया है नजारे आ गए ग्रेट अगला देखो सवाल इसमें तुम बताओ पहला स्टेप क्या होगा ये तो मजाक मजाक में कर दोगे मजाक मजाक में कर दोगे बताओ पहला स्टेप क्या होगा सर जी क्वेडिकॉस में क्वाड्रेटिक है तो सर जी फैक्टराइज कर देंगे पुट कॉज थ्री टाइक्ल टू टी ये वैसे सही बताऊं धीरे धीरे ना ये वाला स्टेप करना अब छोड़ दो सीधे सीधे फैक्टराइज कर दिया करो ये ना बच्चों वाले काम होते पहले टी ले लो सर जी अब ये क्वाड्रेटिक बन गई पहले क्वाड्रेटिक ना दिख नहीं रही थी ऐसा मत करो आप ठीक है ये वाला स्टेप खा खा जाओ आप सीधे फैक्टराइज किया करो राइट तो थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस टी प्लस वन तो यहां से आ गया थ्री टी माइनस वन और थ्री टी माइनस वन और टी माइनस वन तो टी की वैल्यू आ गई वन बाय थ्री और वन अब मुड़ के तुम कॉस थीटा रखोगे पहले कॉस थीटा में फैक्टराइज कर लेते तो कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय थ्री और कॉस थीटा इक्वल टू वन यहां पे एक दिक्कत आ गई यार एक दिक्कत आ गई एक चीज हमें नहीं सीखनी पड़ेगी जहां तक तो यह था इसकी मुझे टेंशन नहीं है मैं सीधे लिख दूंगा कॉज थीटा वन कब होता है जब टू एन पाई थीटा जो है वो टू एंड पाई होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे को ये जो है ना वन बाई थ्री ये थोड़ी दिक्कत है अरे थैंक्स थैंक्स टू टू फिजिक्स फिजिक्स तुमको इनवर्स वन बाय थ्री लिखना आता है कॉज इनवर्स वन बाय थ्री लिखना आता है यस और नो से थैंक्स टू फिजिक्स उन्होंने तुम्हें बताया कि ऐसा एंगल जो है उसको कॉज इनवर्स वन बाय थ्री कहते हैं एग्जैक्टली exactly. तो तुम क्या करोगे कॉज थीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कहोगे साथ में कह दोगे वेयर तुम अल्फा किसको कह रहे हो कॉज इनवर्स वन बाय थ्री को कह रहे हो क्योंकि मुझे ऐसा एंगल पता नहीं है जिसके लिए मैं कॉस मतलब वन बाय थ्री लिख पाऊं तो लेट दैट एंगल भी अल्फा और कॉज इनवर्स वन बाय थ्री एग्जैक्टली थैंक्स टू यूर टमाटर वाले सर जो खुद भी टमाटर खा खा के थोड़े टमाटर जैसे हो रहे हैं आजकल चलो सो टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा चाहो तो अल्फा लिख के साथ में अल्फा की वैल्यू लिख दो चाहे तो सीधे कॉज इन वन बाय थ्री लिख दो कंप्लीटली योर चॉइस और तुम्हारे टमाटर वाले सर ना तुमको पता नहीं है बड़े कैट हैं अच्छे खासे कैट है वो मतलब एम्स का रैंक वन निकाला उन्होंने और घमंड नहीं करते बिल्कुल भी नॉलेज का अपनी <laughs> बहुत चिल आउट बंदे हैं बहुत प्यारे बंदे हैं लो जी ये दोनों तुम्हारे आंसर आ गए तो अब ना हमको बेसिक बेसिक सब आ चुका है बेसिक बेसिक अब रिसेंटली आ गया अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है एक स्टेप आगे बढ़ने की आज वो आए नहीं वरना बुला लेता ऑफिस आज वो आए नहीं है इसमें क्या क्या लग रहा है या ये बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है देखो अब फॉर्मेट हमने सीख लिए चार पांच सवालों को हमने देख लिया कैसे मैनिपुलेशन करते हैं ये क्वेश्चन सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए रखा गया कि क्या हम सवाल में मैनिपुलेशन कर पाएंगे जस्ट टू हिंफेसाइज डबल एंगल फॉर्मूले और ट्रांसमिशन फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है ओके okay? आओ अगर आपके डबल एंगल फॉर्मूले अच्छे हैं तो आपको यहां पे एक चीज दिखे, दिखेगी क्या दिखेगी यार इसको ना मैं अगर डबल में ले जाऊंगा तो कॉज एक्स बन जाएगा और अगर इसको मैं हाफ में ले जाऊंगा तो भी कॉज एक्स बन जाएगा तो पूरी इक्वेशन कॉज एक्स में आ जाएगी आए नजारे तो पूरी इक्वेशन कॉज एक्स में आ जाएगी तो ये इक्वेशन कुछ भी नहीं सिंपल का कॉज एक्स में टेन कॉज स्क्वायर एक्स माइनस फाइव प्लस वन प्लस कॉज एक्स प्लस वन और इसके आगे आप इसको सोए सोए भी कर दोगे मुझे पूरा यकीन है तुम पे सिंपल क्वाड्रेटिक इन कॉज सो वट आई एम ट्राई टू टेल यू इज इट इज नॉट नेसेसरी वो डायरेक्टली क्वेडराटिक देगा हो सकता है वो तुमसे थोड़ा कष्ट करवाए और फिर वो क्वाडराटिक बन जाए तो प्लीज दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट डूइंग लिटिल बिट ऑफ कष्ट इन द बिगिनिंग अगर आपने बिगनिंग वाला कष्ट थोड़ा सा कर लिया उसके बाद आपको लगेगा शिट ये तो बड़ा आसान सवाल था बिगनिंग में अजीब सा लगता है तो बिगनिंग का जो टेम्पो है ना वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना कि कुछ तो अच्छा बनेगा लेट वी ट्राई समथिंग लेट वी ट्राई समथिंग बस पंगे लेना इक्की दुक्की ट्राई में वो पटाख बन जाएगा ठीक शाबाश तो जैसे क्वाड्रेटिक बनेगा फैक्टराइज करके सवाल खत्म हो जाएगा इसको देखो जरा साइन एक्स प्लस साइन वाई टू वन एंड कॉस्ट टू एक्स माइनस कॉस्ट वाईक्वल टू वन एंड का मतलब इनको आपस में कॉमन सॉल्यूशन पूछा गया है ऐसा एक्स और वाई निकालना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है पहले तो सवाल समझ लो सवाल समझ लो ऐसा एक्स और वाई निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है आ, देखो ये तो चलो पहले से ही बड़ी प्यारी सी इक्वेशन है राइट हैंड साइड जीरो होता तो शायद मैं यहां पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्रिएट भी कर देता पर राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो प्रोडक्ट की मोटिवेशन खास नहीं आ रही अगर मैं इसको देखो ध्यान से देखना क्यों ना मैं इसको भी एक्स और वाई में ले आऊं क्योंकि तो यहां पर एक्स वाई बैठे तो टू एक्स टू वाई क्या करने इनको भी एक्स वाई में ले आऊ कॉस टू एक्स को लिखा वन माइनस टू साइन स्क्र एक्स कॉस टू वाई को लिखा वन माइनस टू साइन स्कोर वाई मैंने साइन में क्यों किया कॉस में क्यों नहीं किया बट ऑब्वियस साइन 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 वाई बैठे तो पे ही क्रिएट क्यों लेके आऊंगा इक्वल टू वन ये क्या बन गया बेटा ये बन गया टू साइन स्क्वायर वाई माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन अब कितनों को दिख रहा है अगला स्टेप अब तुम बताओ अगर ये दो इक्वेशन तुम्हारे सामने पड़ी है और तुमको मैं और वाई पे कमेंट करने को कह रहा हूं तो क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा किस या तो में yes no? वैल्यू निकाल मतलब किसनों को दिख रहा है अगर तुम्हें अरे इसको डिवाइड कर दो साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसके फैक्टर क्या बनेंगे साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स इक्वल टू हाफ अरे वैल्यू पुट कर दो लो इसकी वैल्यू पूरा पूरा यहां पे रख दो तो क्या बन गया साइन वाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू हाफ और अब अगर मैं तुमको ये दो इक्वेशन दे दू एड करो साइन एक्स कट जाएगा साइन वाई की वैल्यू आई वाई आ गया सब्ट्रैक्ट करो साइन वाई कट गया साइन एक्स की वैल्यू आ गई आया समझ देखो जरा ऐड करके वाई तो आई नहीं रहा कुछ गर, मैंने यहां पे कोई प्लस माइनस तो नहीं किया ना बेटा मैंने वन माइनस टू साइन परफेक्ट है वन माइनस टू साइंस वाई ए कट गया टू इधर चला गया एड करके थ्री बाई टू बन रहा है वाई तो आई नहीं रहा कुछ वाई तो आई नहीं रहा एक को। छोटी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को बेटा कोई जब मैं इसको यहां पे रखता हूं एड करता हूं तो साइन एक्स तो कट जाता है अच्छा नहीं टू साइन वाईक्वल टू थ्री बाय टू आ रहा है 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 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, रहा मेरे को लगा वन से बड़ा हो गया डन 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 बेटा एड करो वन प्लस टू इम्प्लाइज साइन वाई इक्वल टू थ्री बाय फोर एंड वन माइनस टू इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू वन बाई फोर यहां से वाई आ गए यहां से एक्स आ गया तुमने भंगड़े पाए घर को गए खाना खाया मजे किए इंजॉय किया होगी बल्ले बल्ले बेटा जी हो गए बल्ले बल्ले नजारे हो गए और थ्री बाई फोर से मैं डरता नहीं बेटा जी ये मुझको डराते नहीं अल्फा में लिख देता हूं मैं तो साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर हो तो रिजल्ट कहता है कि थीटा जो है एन पाई इसके बराबर होता है तो बेटा लिख दो वाई जो है इट इज एन पाई प्लस माइनस वन पार एन साइन अल्फा मैंने अल्फा क्यों यूज किया क्योंकि मुझे ना डायरेक्टली इसे लिखना नहीं आता वेयर अल्फा इज साइन इनवर्स वर्स थ्री बाई फोर वेयर अल्फा इज साइन इनवर्स वर्स थ्री बाय फोर ऐसे ही यहां से एक्स आ गया ये जो अभी के अभी आपने सवाल किया ना ये अच्छा खासा बढ़िया सवाल है जो आपने मजे मजे में सीख लिया पहले तो अपने नाम के आगे ओपी कर दो अपने नाम के आगे ओपी कर दो कर दो कर दो ओपी बहुत प्यारा सवाल है दो इक्वेशन अभी तक आपने एक इक्वेशन को पूरा अच्छे से सॉल्व करना नहीं सीखा है यहां पे दो दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व किया है दिस इज बेसिकली टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इक्वेशन भी ट्रिग्नोमेट्री में थी सिंपल एक्स वाई में नहीं थी यू जस्ट सोल्व इट यू जस्ट सोल्व इट ठीक तो so, यहां पे आंसर आ गया साइन वाई थ्री बाय फोर और दूसरा आ गया था वन बाय फोर परफेक्टो ग्रेट ये सबको याद है हां जी सर ट्रिग्नोमेट्री में आपने जब कराया था आपने बहुत इंफेसिस किया था कि इसको चाहो तो जोड़ सकते हो अकेले साइन में चाहो तो जोड़ सकते हो अकेले कॉस में करना क्या होता है रूट ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है सर ये यह यहाँ पे रिकॉल क्यों करवा रहे हो क्योंकि बेटा ये एक तरह से एक फॉर्मेट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में एक तरह से एक फॉर्मेट है यस yes, एग्जैक्टली exactly. सवाल देखो कहता है इसका सोल्यूशन निकालो अब तुम मुझे बिल्कुल सच सच बताना बिल्कुल फ्रैंकली डोंट यू एग्री अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही टर्म होती अकेला साइन होता या अकेला कॉस होता तो मजे से सॉल्व हो जाता सवाल यस yes सुनो ओके okay, देखा मोदी आल चैक इट ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट मैं चेक करता हूं अगर नहीं मिली तो चेक करता हूं मैं हो जाएगा ठीक है मैं चेक कर लूंगा रूट थ्री सैन प्लस टू वन अगर एक टर्म होता तो कितना अच्छा होता तो एक टर्म बना दो यार तुम्हें बचपन से आता है ए है रूट थ्री बी है वन तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड टू से रूट टू से नहीं अब तुम चाहो तो इसको साइन में जोड़ो चाहो तो कॉस में जोड़ो मैं ना कॉस में जोड़ रहा हूं अच्छा ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है मेरी साइन से बट कॉस का ना फॉर्मूला देखने में ज्यादा सुंदर होता है मानो ना मानो ना टेल मी यस और नो ये ज्यादा आसान है साइन का फॉर्मूला थोड़ा बदसूरत सा होता है यार साइन थी साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल तो टू तो एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा बड़ा बदसूरत दिखता है मजा ही नहीं आता देख के कॉस का बड़ा खूबसूरत है तो जब मेरे को चॉइस है तो मैं कॉस में जोड़ूंगा तो कॉस में जोड़ना है बेटा तो इसको लिखेंगे साइन में इसको लिखेंगे कॉस में दिस इज साइन पाई बाय थ्री दिस इज कॉस पाई बाय थ्री तो ओवरऑल बन गया टू टाइम कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय थ्री इक्वल टू वन और अब तो बेटा जी सवाल हो गया खत्म इधर आ गई एक टर्म अब तो रिजल्ट लगाना बेटा सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट इस हाफ को लिख लिया कॉस पाई बाई थ्री लगाओ रिजल्ट कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा क्या हो जाएगा टू एंड पाई प्लस माइनस अल्फा इस पाई बाई थ्री को उधर ले जाओ आंसर आ गया दो आएंगे एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ तुम एक चीज को अप्रिशिएट कर पा रहे हो से धीरे धीरे हम वेरिएशन को बढ़ा रहे हैं बट एवरीथिंग इज लाइक कैप्टे सो प्लैंड सो आई से एक ऑब्वियस फ्लो में रखा गया है तो अगर आप देखोगे तो इसे फॉर्मेट कहना गलत है ये तो obvious है कि इसको जोड़ना ही अकलमंदी है राइट right? इसको जोड़ना ही अकलमंदी है अगर मेरे को जोड़ना आता है तो आई एम डन ठीक है ऋषि बेटा आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी पड़ेगी ए साइन प्लस बी कॉज को जोड़ते कैसे हैं अगर आपको ये नहीं याद तो ये फॉर्मेट आपको समझ नहीं आएगा ओके okay? तो ये प्रॉपर आपको ये टॉपिक पहले याद करना पड़ेगा ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है लेक्चर नंबर थ्री में होगा मेरे ख्याल से <coughs> थ्री टू टू या थ्री में होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं पढ़ा पढ़ लो वरना हालत खराब होगी क्योंकि तो ये वाला कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह पे यूज होता है ठीक एग्जैक्टली exactly. और तो कोई बताए नहीं वो तो हो ही गया आंसर आज शाबाश आगे चलो Cos x minus sin x equal to one. अरे तो तो भी भी जोड़ने वाला सवाल ही है जोड़ दो किसे multiply, divide करेंगे बस ये बता दो जब जोड़ना है इसको तो बाकी जिंदगी में बहुत पीस है मेरी कोई टेंशन नहीं है मेरे को बस ये बता दो किससे मल्टीप्लाई गलती कर रहे हो हाँ रूट टू अकेला टू बोलते हो पिटाई हो जाएगी रूट टू रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क् मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जैसे रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये जुड़ के बन जाएगा ऐसा उसके बाद तो फॉर्मूला हर तरफ खूबसूरती बहुत बढ़िया अब ये देखो सर सी और टेन तो आपने जोड़ना ही नहीं सिखाया सीकेंट और टेन तो आपने जोड़ना नहीं सिखाया तो इसको कैसे करेंगे यार जोड़ना नहीं सिखाया तो सिखाए हैं में लिख लो डर क्यों रहे हो ये क्या है और ये क्या है साइन एक्स बाय एक्स लिख लो तोड़ लो क्यों डर रहे हो ये क्या बन गया कॉज एक्स नहीं सॉरी ये बन गया वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स उसको उधर ले जाओ कितनों को समझ आ रहा है पहले वाला सवाल बन गया कितनों को समझ आ रहा है पहले वाला सवाल बन गया खामोश सो इडिया क्या है हम जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे हम जितने भी फॉर्मेट सीखेंगे जितने भी नए तरह की वैरायटी सीखेंगे पहले उसका एक स्टैंडर्ड सवाल पढ़ेंगे और फिर उसमें हल्की हल्की वेरिएशन देखेंगे जैसे ये हल्की सी वेरिएशन थी सवाल यही है बस पूछा ऐसे हुआ है राइट तो ये आपको इस टॉपिक में सीखना है या आप जब सॉल्विंग करेंगे आपको कब भी रियलाइज होगा कुछ सवाल आपके अटकेंगे आप जब डीपीपी सॉल्व करोगे आपके अटकेंगे सवाल पर जब आप सोल्यूशन देखोगे ना सिर्फ पहले दो स्टेप होंगे जो आपको लगेगा शिट मेरे लोग आते थे मैंने किए नहीं करता तो ये बन जाता सवाल तो इसलिए इस चैप्टर में ये क्लियर रखना इस टॉपिक में खास ये क्लियर रखना कि पहले एक दो स्टेप जो है काफी जगह पे एक ना बेसिक सा कॉन्फिडेंस डिमांड करेंगे आप कर देना बस रुकना मत कर देना बस आदेश नो बेटा वहां से अगर करना है तो दिमाग ज्यादा लगेगा अभी वहां पे ना जाओ आप थोड़ी देर बाद उसका रीजन समझोगे अभी नहीं ओके फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन हैं सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोल रहा कहता है इसका सॉल्यूशन होना चाहिए के बताओ अब ये कैसा सवाल है मेरे को लगता है ऐसा सवाल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है sin x k अगर मैं k को 10 ले लूं तो क्या सॉल्यूशन है इसका बोलो अगर मैं के को टेन ले लू तो क्या इसका सोल्यूशन है मेरे पास बोलो है क्या नो सर साइन एक्स कभी टेन नहीं हो सकता तो अगर मैं आपको बोलूं साइन एक्स के बराबर है सॉल्यूशन होना चाहिए के बताओ तो आप क्या बोलोगे सर के जो है माइनस वन से वन में होना चाहिए यस और नो यही बोलोगे ना अगर के माइनस वन से वन में है, तो इसका सोल्यूशन है मिलेगा अगर इसके बाहर चला गया के तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा यही कंसेप्ट है तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए तो मुद्दा क्या है कि ये जो चीज है वो इसकी रेंज में होनी चाहिए तो टू साइन एक्स जो है वो कहां से कहां लाइक करता है माइनस टू से टू में तो अगर आपका के प्लस वन माइनस टू से टू में लाइक करेगा फिर तो सॉल्यूशन मिल जाएगा वरना सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो के आ गया माइनस थ्री से वन आइडिया क्लियर आइडिया क्लियर हो गया बेसिक था घटिया था थोड़ा सा बेटर कर देते हैं रेंज को अच्छा ले जाते हैं रेंज को अच्छा ले आते हैं अच्छा आते है। पिछले में ओए उसने इंटीजर वैल्यू पूछी है आंसर यह नहीं है इसके अंदर जो इंटीजर बैठे हैं वो तुम्हारे आंसर है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन ओके ये मेरा आंसर है एग्जैक्टली exactly. ये देखो अब अगेन कैसा इसका सोल्यूशन होना चाहिए सोल्यूशन कब होगा भैया इसकी जो रेंज है ना वो देखनी पड़ेगी टू के प्लस वन अगर इसकी रेंज में आ रहा है फिर तो ठीक है वरना बेड़ा गर्क है और इसकी रेंज निकालनी तुमने सीखी हुई है बोलना मत नहीं सीखी है ए साइन प्लस बी कॉस इसकी रेंज क्या है माइनस रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव होता है फिफ्टी फोर फोर तो माइनस फोर से लेकर रूट फोर इसकी रेंज है तो टू के प्लस वन जो है अगर तो इसके अंदर लाई करता करता है फिर तो सॉल्यूशन आएगा वरना सॉल्यूशन नहीं आएगा वेल well, मुझे के पूछा गया तो के निकालते माइनस वन माइनस वन किया फिर टू से डिवाइड कर दिया ओके अब देखो जरा थोड़ी सी थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहा डरना नहीं है कैलकुलेशन कर देनी है के ये आया बट उसने ये नहीं पूछा है उसने मुझे पूछा इंटीजर वैल्यू बताओ के की कितनी है इंटीजर वैल्यूज तो जरा मुझे बताओ रफली रफली ये कितना है रूट सेवेंटी फोर कितना होता है भैया रूट सेवेंटी फोर एट का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर और नाइन का एट्टी वन तो एट पॉइंट समथिंग है ओके okay. तो ये है माइनस एट पॉइंट समथिंग माइनस यानी कि माइनस पॉइंट समथिंग ओके और ये कितना है एट पॉइंट समथिंग माइनस वन यानी कि सेवन पॉइंट समथिंग अब टू से डिवाइड कर दो नीचे टू बैठा है टू तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस फोर पॉइंट समथिंग डू यू ऑल एग्री एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है अप्रोक्सीमेशन करो यार याराइन पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई टू होता है फोर पॉइंट समथिंग सेवन पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई टू थ्री पॉइंट समथिंग डू यू एग्री आंसर आ गया Do you agree आ गया, एग्जैक्टली exactly. तो अब इंटीजर क्या आ जाएंगे माइनस फोर पॉइंट समथिंग से थ्री पॉइंट समथिंग के बीच में माइनस फोर आएगा माइनस थ्री आएगा माइनस टू आएगा माइनस वन आएगा जीरो आएगा वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा ये आ जाएंगे सारे के सारे माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री और क्या आएगा और आएंगे नजारे और आएंगे नजारे माइनस फोर भी आएगा माइनस फोर भी आएगा माइनस फोर पॉइंट समथिंग के आगे माइनस फोर आएगा ना यहाँ पे एट वैल्यूज आ गई बहुत बढ़िया लेट्स कंसिडर इक्वेशन दैट इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इतनी क्या इज्जत है इसकी मतलब अलग से हेडिंग दी हुई मैंने अलग से हेडिंग दी हुई भाई गॉड कोई इज्जत होगी इसकी एक बात बताओ एक बात बताओ कितनों को समझ आता है कितनों को समझ आता है साइन टू एक्स को लिख सकता हूं साइन प्लस कॉस होल स्केयर माइनस वन जरा बताओ कितनों को समझ आता है आता है समझ ओ बल्ले तो अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी बोल दू अगर अगर मैं टी बोल दू तो साइन टू एक्स क्या बन जाएगा टी स्क्र माइनस वन यस ऑनो यस yes और no? अगर इतना समझ चुके हो तो सवाल भी देखो ओ उससे पहले प्रॉमिस करो उससे पहले प्रॉमिस आजकल ये प्रॉमिस वाला काम बहुत काम कर रहा है मैंने देखा बच्चों जोश आया था है फटाफट प्रॉमिस करो तुम भी ऐसे रिजल्ट लेने वाले हो फटाफट -फट बोलो सर जी रिजल्ट पता नहीं पर हम एफर्ट इतना मारेंगे कि हमारे रिजल्ट ऐसे आए बोल दो फटाफट -फट। बोल दो फटाफट -फट। हम इतना एफर्ट मारेंगे कि हमारे भी रिजल्ट ऐसे आए प्रॉमिस हर एक सेशन में प्रॉमिस तो करना ही पड़ेगा तुमको सर नाइनटी नाइन परसेंटाइल कैटेगरी में हम आएंगे कुछ सब्जेक्ट में हंड्रेड परसेंटाइल मारेंगे जय एडवांस क्वालिफाई करेंगे प्रॉमिस 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 वेरी गुड पूरा एफर्ट मारना है ग्रेट तो इसी पॉजिटिविटी के साथ इस इस लक्ष्य को देखते हुए याद करते हुए आगे चलते हैं आ जाओ बेटा कहता तो सॉल्व फॉर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू गॉड रेसिवेटर टू साइन टू एक्स माइनस वन पहले मैं सोल्व करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग में कैसे आना चाहिए ओके जब सब आराम से देखना बस पुट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू टी बस आराम से देखना इक्वल टू टी अब इक्वेशन क्या बनी इसको क्या कहा आपने अगर आपने इसको टी कहा ये क्या बन गया टी स्क्र माइनस वन यस और नो अभी देखा आपने बिल्कुल अभी कभी देखा और आखिर में क्या बैठा है ओ यार ये रिमोट ही खुल गया आ जा बेटा आ जा और आखिर में बैठा है माइनस वन कैन यू सी इट्स अ सिंपल क्वाड्रेटिक नाउ टी स्क्वेर माइनस टी माइनस टू मैं यहां से टी आराम से निकाल सकता हूं टी प्लस वन टी माइनस टू इक्वल टू जीरो सो टी इक्वल टू माइनस वन और टू बट भूल मत जाना तुमको टी नहीं निकालना तुमको एक्स निकालना है जोश जोश में आके ये मत कहते ना कि आंसर इज माइनस वन और टू तुमको एक्स निकालना है तो अब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स टी क्या था साइन एक्स प्लस कॉज एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू माइनस वन और साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू टू मैंने ना दूसरे केस को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट मार दिया कितनों को समझ आता है स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड रिजेक्टेड कितनों को आता है समझ मैंने एक परसेंट ट्राई अच्छा पहले बोल ही दिया तुमने मुझसे पहले बोल दिया रिजेक्टेड अरे यार तुम तो क्या रहे हो आजकल एग्जैक्टली exactly, सर जी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स जो है माइनस रूट टू से रूट टू तक जाता है टू तक तो जा ही नहीं सकता तो पहले से रिजेक्ट हो गया अरे दिल खुश कर दिया तुमने गॉड ब्लेस यू बहुत बढ़िया जा रहे हो तो बेटा बचा क्या अब सिर्फ एक ही बचा है और इसको तो अभी अभी जस्ट अभी अभी पिछला फॉर्मेट यही तो सीखा था लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देते हैं जोड़ दो बेटा रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड सीधे लिख दू ये बन जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई फोर रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया कॉज में जोड़ दिया तो कॉज ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई फोर इज माइनस वन बाय रूट टू थीटा कॉज अल्फा आ गया क्या करेंगे जिंदगी में हम इसको लिखेंगे कॉज अल्फा बताओ जरा भाई अल्फा कितना लू माइनस वन बाय रूट टू बनाना है अल्फा कितना लू बताओ माइनस वन बाय रूट टू बनाना है अल्फा कितना लू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कॉस नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सर थ्री फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर का सप्लीमेंट्री कॉस सप्लीमेंट्री पे नेगेटिव हो जाता है तो आंसर आ गया एक्स माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस थ्री पाई बाय फोर तो बेटा एक्स आ गया टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर दूसरा आ जाएगा टू एन पाई माइनस थ्री पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर दो आंसर आ जाएंगे एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ अब इसमें याद क्या रखना है ये तो मैंने किया तुमको दिख गया पर याद कैसे रखना है जब भी जब भी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स या साइन एक्स माइनस कॉज एक्स के साथ साइन टू एक्स आ जाए टू एक्स आ जाए देन पुट ये वाला टर्म इक्वल टू टी इसको टी पुट कर दो टी पुट करते क्वेडराइटिक बन जाएगी गेम हो जाएगी खत्म नज़ारे फुलर पूरे याद क्या करना है समझ लिया अपने आप में ऐसा नहीं कि एक कैटेगरी है बट अगर याद कर लोगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी ठीक है स्पीड बढ़ जाएगी कर हम वही ही रहे रिड्यूसीबल टू क्वेडराइटिक कर रहे हैं बट हाँ थोड़ा सा स्पीड दिख जाएगी फाइबर टू लिख दिया मैंने कहीं अच्छा यहां पर बेटा ये तो मेरे खेलने की आदत है बचपन से मैं खेलता हूँ बचपन से खेलता आ रहा हूँ बड़ी मैंने बहुत टीचर से मार खाई है नाइन्थ तो और टेंथ में बहुत मार खाई टीचर से बोलता कुछ और था लिखता कुछ और ही था चलो आ जाओ बेटा ये कुछ इक्वेशन होती है ये ना एक नई चीज़ है सुनो थोड़े से थोड़े से जब तुम बड़े हो जाओगे ना थोड़े से बड़े अभी बस कह लो कि एक डेढ़ महीना बड़े जब हो जाओगे एक डेढ़ महीना ज़्यादा नहीं तो एक टॉपिक आएगा होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन ठीक है जी बस थोड़, थोड़े से बड़े हो जाओ थोड़े से बस एक डेढ़ महीना बड़े एक टॉपिक आएगा होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन क्या होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म का नेट डिग्री टू है जैसे कि जैसे कि देखो ना यार देखो। इसकी नेट डिग्री कितनी है टू डिग्री मतलब वेरिएबल की नेट पावर यहां पे कितना नेट डिग्री टू क्योंकि एक्स और वाई प्रोडक्ट में है और यहां पे कितना है स्क्वायर हर एक टर्म में वेरिएबल वेरिएबल का जो नेट पावर है वो टू है ठीक है ऐसी इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन अभी हमारा ज्यादा कंसेप्ट या जा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें गहराई में जाने का नहीं है वो हम महीने बाद जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बट अभी हमारा इंटरेस्ट इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसमें जरूर है क्योंकि ऐसा ही फॉर्म मेरे पास अभी आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आओ सुनो जब भी ऐसे इक्वेशन दिखे ना पता क्या करते हैं पूरे को एक्स स्क्स में यस और नो वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनती है बस इसको टी पुट करो और गाड़ी चल पड़ी आगे गाड़ी चल पड़ी आगे राइट तो जब भी इक्वेशन आती है ना तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है सॉल्व करने का अब एक सवाल देखना टू साइन स्क्स माइनस फाइव साइन एक्स एक्स माइनस एट कॉस एक्स हर एक टर्म को मैं कह सकता हूं कि कहीं कही ना कहीं डिग्री टू है साइन स्क्स एक्स है फिर कॉस स्क्र है, है हाँ सर हर एक टर्म की है बट सर माइनस टू जो बैठा है उसका क्या करूं ये माइनस टू बेटा माइनस टू भी देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो अब मानते हो हर एक टर्म में नेट डिग्री टू है अब तो मानते हो माइनस टू अकेला अच्छा नहीं लग रहा था तो इन टू वन करके वन को लिख दिया साइन स्क्सक्र देखो हर एक टर्म सिमिलर सेम फॉर्मेट बन गया डू यू ऑल एग्री सेम फॉर्मेट तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे पूरे को डिवाइड मारो से मानो कॉ स्क्स या साइन से कर दो तो मर्जी आपकी है डिवाइड करते क्वाड्रेटिक बन जाएगी काम खत्म हो जाएगा

गुड <laughs> तो ये जो है ना इसको आप एज अ फॉर्मेट याद रखना कि अगर हर एक टर्म में साइन और कॉस का नेट पावर टू बन रहा है साइन स्क्वेयर आ गया कॉस स्क्र आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया हर एक टर्म में नेट पावर टू बन रहा है तो उसको पूरी इक्वेशन को या तो साइन स्क्वेयर से डिवाइड मार दो या कॉस कैसे डिवाइड मार दो अपने आप एक क्वाड्रैटिक बन जाएगी और क्वाड्रेटिक तो माशाल्लाह तुम मजे से सॉल्व कर दोगे क्वाड्रेटिक तो माशाल्लाह मजे से सॉल्व कर दोगे ठीक बेटा मैं पंजाब से हूं मतलब बाई बर्थ पंजाब से हूं बट नेटिव प्लेस हिमाचल प्रदेश है नेटिव प्लेस हिमाचल प्रदेश हिमाचली बट हां बाई बर्थ बॉर्न एंड ब्रॉटअप पंजाब दिल से पूरा पंजाबी नेटिव प्लेस हिमाचल है हिमाचली ज़्यादा मेरे को आती नहीं है थोड़ा बहुत हिमाचली बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत पहाड़ी लैंग्वेज बोल लेता हूँ बट कुछ ज़्यादा नहीं <laughs> आ जाओ रिमार्क ये ना रिमार्क दिया हुआ है जो कि आपको जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनमें एक दो गलतियों गलतियाँ करने से बचाएगा एक दो गलतियाँ करने से बचाएगा एज फार एज पॉसिबल अवॉइड यूजिंग साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा इन द टर्म्स ऑफ टेन थीटा मतलब क्या है यानी कि जब कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हो ट्रिकोमेट्रिक इक्वेशन का तो साइन टू थीटा को टेन में लिखना अवॉइड करो टेन में लिखना अवॉइड करो कॉस टू थीटा को टेन में लिखना अवॉइड करो आई एम सेइंग अवॉइड आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट आई एम जस्ट सेइंग अवॉइड अवॉइड का रीजन भी दूंगा एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होमवर्क रखा है वो भी दिखाता हूं सेम टैन टू थीटा एंड टैन थ्री थीटा भी इसको भी ऐसे लिखना अवॉइड करो ये आपको सारे अवॉइड करने हैं अब अवॉइड क्यों करने हैं ये ध्यान सुनना बहुत ध्यान सुनना ये अब ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये प्योर उनके लिए बोल रहा हूँ जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ठीक है थीके? जो मेन की तैयारी कर रहे हो वो ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं और एक मिनट बाद हम आगे चलेंगे वहां पर आप कंटिन्यू करोगे ये दोनों नो no डाउट बराबर है

तो ये दोनों फंक्शन नो डाउट आपस में सेम वैल्यूज देते हैं बट इनका डोमेन अलग अलग है डोमेन का पंगा है यह पाइबर टू पे डिफाइंड है यह पाइबर टू पे डिफाइंड ही नहीं है तो इसका मतलब यह कि जब भी आप अगर ये फॉर्मुला यूज करना चाहते हैं जब भी ये यूज करना चाहते हैं तो जो पाई बाई टू एंगल है यहां से वो आंसर में नहीं आएगा पाइबर टू आपको अलग से चेक करना पड़ जाएगा कितनों को पॉइंट समझ आया जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से इस पॉइंट को समझ रहे होंगे क्योंकि एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आप फिर सोच भी तो वहां तक जा रहे हो ना ठीक है तो अगर आप इसको ऐसा लिखते हो तो पाई बाय टू को आपको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लिखते ही डोमेन में पाई बाय टू रहा ही नहीं ठीक है तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं पर मजबूरी है तो कर दो यूज़ बट फिर पाई बाय टू को अलग से पुट करके चेक करो कि पाई बाय टू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं और इसी के लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया है ये वाला ये ये रहा एक सवाल है इसको आपने दो तरीके से सॉल्व करना है पहला तरीका साइन टू थीटा को ये पुट करके पुट करो टैन में क्वाड्रेटिक बनेगी सॉल्व कर लो आंसर आ गया फिर सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है साइन टू थीटा को ऐसे ओपन करके इक्वेशन आएगी आंसर आएगा एंड यू विल रियलाइज कि बी में जो आंसर आएगा वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ए क्योंकि ए में पाइबा टू के लोचे हो जाएंगे पाइबा टू के लोचे हो जाएंगे आइडिया समझ होमवर्क क्लियर आ गया होमवर्क समझ आ गया क्या करना है ए यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर आएगा बी यूज करके आंसर निकालोगे आंसर आएगा दोनों अलग अलग होंगे सही कौन सा है बी ए जो है वो छोटा होगा छोटा मतलब कम होगा और मिसिंग पार्ट कौन सा होगा वो पाइबा टू वाला पार्ट मिसिंग होगा ठीक तो ये आपने घर पे करना है तभी आपको मजा आएगा ठीक है ओके मैंने दिया हुआ पर अभी देखना नहीं है घर पे आराम से ट्राई करना है इसको आ जाओ बेटा अब बात की ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन की बारी एक बच्चा बता रहा है मैं कांगड़ा से हूं अरे ग्रेट 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 बेटा मैं चिंतपुर्णी से हूं चिंतपूर्णी माता का मंदिर है आपने सुना होगा अगर आप थोड़ा बहुत हिमाचल गए हो तो मैं चिंतपुर्णी से हूं ठीक है अब मतलब नेटिव प्लेस मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन अब ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हमने सारा सॉल्व किया फॉर्मेट बाई फॉर्मेट सीख लिया कुछ चीजें याद करने वाली थी कुछ मैनिपुलेशन थी कुछ नॉर्मल जनरल डिडक्शन थी पंगे, -पंगे लेके हमने सारी चीजें खत्म की इन इक्वेशन क्या होता है आओ मैंने तुमको पूछा भैया साइन एक्स ध्यान से देखना साइन एक्स इक्वल टू हाफ तुमने पटाख सॉल्व मारा तुमने क्या सर सवाल है लो सर जी साइन एक्स हाफ है हाफ को लिख दो सर जी ऑफ़ पाई और तुमने कह दिया एक्स आ गया सर जी एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन मुंह बाई पाई पाई मारा जवाब था फिर मेरे को आया गुस्सा ऐसे कैसे मेरे मुंह पे जवाब मारा भाई थोड़ा कष्ट तो करो अगर मैं ये पूछता फिर क्या करते साइन एक्स अब क्या करते अब हालत टाइट हो जाती पहली बात तो यह मत बोल देना सर जी ग्रेटर देन ग्रेटर देन लगा देंगे यह मत बोल देना मैं पिटाई कर दूंगा कोई सेंस नहीं बनता उसका इसका आंसर पहले मैं आपको अकल से करके दिखा रहा हूं प्योर अकल से ठीक है मान लो मुझे कोई फॉर्मला नहीं आता कुछ नहीं आता बट अकल आती है अकल मेरे में है जो कि तुम में भी है मैंने क्या किया अच्छा तुम सबको साइन का ग्राफ दिमाग में है ना साइन की वैल्यूज दिमाग में है मैं बना देता हूं पर यह दिमाग में होनी चाहिए बना रहा हूं पर दिमाग में होनी चाहिए और सिर्फ जीरो से टू पाई में कह रहा हूं सिर्फ जीरो से टू पाई में अगर आपने अभी तक जीरो से टू पाई में ग्राफ नहीं याद किया बेटा फिर बेटा गर्क हो जाएगा प्लीज कर लेना आप ऐसा ग्राफ होता है जीरो पाई टू पाई इतना ग्राफ दिमाग में ना बस दिमाग में रखना है दिमाग में अब सुनो मेरी बात मैं गया बिल्कुल पहले वाले स्टेप पे जहां पे हमने चीजों को डिफाइन किया था सबको याद है सर्कल से डिफाइन किया था ओके बेटा साइन एक्स क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट कॉस एक्स क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट सबको याद है किसी भी एंगल के लिए कॉस थीटा क्या है एक्स कोऑर्डिनेट जब पाई बाय सिक्स एंगल बनेगा पाई बाय सिक्स एंगल बनेगा तो जाके सबसे पहले साइन हाफ बनेगा डू यू एग्री साइन हाफ बनेगा साइन थर्टी हाफ होता है मैं प्योर अक्ल लगा रहा हूं कोई मैथड कोई फॉर्मूला नहीं जब मैं कहता हूं साइन हाफ बनेगा मतलब इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हाफ हो जाएगा डू यू ऑल एग्री वो हाफ हो जाएगा हाँ सर अब मैं क्या चाहता हूं साइन एक्स हाफ से बड़ा रहना चाहिए यानी कि मैं चाहता हूं साइन एक्स यहां पे रहना चाहिए तो क्या तुम देख पा रहे हो 150 डिग्री ये मेरा आंसर आ जाएगा ये सारे पॉइंट जो हैं इन सब का जो y कोऑर्डिनेट है वो हाफ से बड़ा है इन सब का y कोऑर्डिनेट हाफ से बड़ा है डू यू ऑल एग्री इन सब का वाई कोऑर्डिनेट हाफ से बड़ा है गॉड बेस्ट बेटा खुश रहो तो अगर मेरे आंसर पूछा जाए वन राउंड में वन राउंड बोले तो जीरो से टू पाई में तो मैं आंसर बोलता सर जी पाई बाय सिक्स से लेकर फाइव पाई बाय सिक्स थर्टी डिग्री से वन फिफ्टी डू यू ऑल एग्री यही बोलता थर्टी डिग्री से वन फिफ्टी डिग्री जिनको यहां पे देखने में दिक्कत है वो यहां देखो हाफ वैल्यू चाहिए हाफ वैल्यू आएगी थर्टी डिग्री पे और वन फिफ्टी डिग्री पे और इनके बीच में साइन बड़ा रहेगा हाफ से तो फाइव बाय सिक्स से फाइव पाइव बाय सिक्स में साइन जो है हाफ से बड़ा रहेगा बेटा जी जब एक राउंड में आंसर निकाल लिया तो हर एक राउंड में सेम ही आंसर तो आना है तो प्लस टू एन पाई कर दो यह तुम्हारा आंसर है जब भी राउंड निकालते वक्त पाई बाय सिक्स से फाइव सिक्स में आओगे तो साइन हाफ से बड़ा हो जाएगा तो अब बेटा हम सवालों को कर रहे हैं फॉर्मली आ जाओ पहला सवाल अब मैं बिल्कुल शुरू से कर रहा हूं ध्यान से सुनना सवाल है साइन एक्स ग्रेट देन हाफ मैं कैसे करूंगा मैं साइन का ग्राफ बना लूंगा ऐसे दिमाग में दिमाग में यह रहा हाफ मुझे पता है कि पाई बाय सिक्स और फाइव फाइव बाई सिक्स पे हाफ बनता है इसके बीच में जो एंगल्स है पे साइन हाफ से बड़ा रहता है तो मैं कहूंगा वन राउंड वन राउंड मतलब जीरो से टू पाई तक वन राउंड में मेरा आंसर आया पाई बाय से फाइव बाय सिक्स अगर मेरे पास एक राउंड में आंसर आ गया एक राउंड में आंसर आ गया तो आफ्टर एवरी राउंड मैं जब भी यहां से गुजरूंगा तो साइन हाफ से बड़ा रहेगा डू यू ऑल एग्री आफ्टर वन राउंड जब मैं मुड़कर यहां से गुजरूंगा तो साइन हाफ से बड़ा ही रहेगा आफ्टर टू राउंड जब मैं यहां से गुजरूंगा साइन हाफ से बड़ा ही रहेगा तो यानी कि टू एंड पाई टू एंड पाई दिस इज योर आंसर इन सभी सभी इंटरवल्स का यूनियन जितने भी ऐसे इंटरवल बनेंगे सारे मेरे आंसर है अब सुन लो मेरी बात विजुलाइज करो एन को जीरो पुट करो फाइव बाय सिक्स है फाइव फाइव बाय सिक्स को वन पुट करो टू पाई प्लस फाइव बाई लेके टू पाई प्लस फाइव पाइव बाई को टू पुट करो फोर पाई प्लस फाइव बाई स हो गया अफकोर्स यूनियन ये सारे मेरे आंसर है हो गया ठीक है तो जहां तक तो विजुलाइजेशन की बात है कर लिया रट्टा मारने की बात है रट्टा बहुत आसान है एक इंटरवल में आंसर निकाल दो और टू एन पाई टू एन कर दो सवाल खत्म एक साइकिल में आंसर निकाल दो टू एन पाई टू एन कर दो सवाल खत्म रट्टा तो बहुत ही आसान है बेटा यहां पे ओपन आया क्योंकि यहां पर साइनेक्स गेट देन हाफ है ठीक है यहां पर साइनेक्स गेट देन हाफ है अगला सवाल अब तुम करो कॉज एक्स गेट बनाओ कॉज का ग्राफ एक पूरा राउंड बना दिया जीरो पाई टू पाई अब देखो कि ये माइनस हाफ से बड़ा कब कब है यहां पे होगा माइनस हाफ माइनस हाफ कब होता है बेटा यहां पे आएगा टू पाई बाई थ्री और यहां पे आएगा कितना आ जाएगा प्लस सिक्सटी कितना होता है भैया टू फोर्टी फोर पाई बाई थ्री मुझे बड़ा चाहिए साइन एक्स माइनस हाफ से बड़ा यानी के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डू यू ऑल एग्री ये वाला पार्ट चाहिए तो मेरा आंसर क्या आएगा जीरो से लेके टू पाई बाय थ्री यूनियन अब यहां पे तुमको एक करिश्मा दिखाने वाला हूं जो तुमको पेपर में ना तुम्हारी मेहनत का फल देगा ध्यान से सुनना जीरो से टू पाई बाय थ्री यूनियन फोर पाई बाई थ्री से टू पाई ये तुम्हारा आंसर आ गया अभी ध्यान सुना यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो तुमको फल देगा पेपर में वरना आता हुआ सवाल भी गलत करके आ जाओगे तो मैंने क्या किया देखना था कि मैंने कि कॉज एक्स माइनस हाफ से बड़ा कब होता है तो मैंने देखा माइनस हाफ कहा होता है माइनस हाफ होता है यहां पर और यहां पर अब ग्राफ से दिख गया कि इसके पहले जो है कॉस बड़ा है और इसके बाद कॉज एक्स बड़ा है इसके बीच में कॉस छोटा है आंसर लिख दिया और जनरलाइज करने के लिए हमने रट्टा मारा हमने टू एन पाई टू एन पाई ऐड कर दिया एक काम ध्यान से सुनना अगर तुम इसको प्लॉट करोगे अभी बहुत ध्यान से सुनना यहां पे तुमको फल मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव में क्योंकि तुम फाइनली तैयारी तो ऑब्जेक्टिव की कर रहे हो ध्यान से देखना ये तुमने बनाया सर्कल आंसर को प्लॉट कर दूं शेडेड शे, शे, कर देता हूं क्या आ रहा है जीरो से टू पाई बाय थ्री यानी कि यहां तक ठीक है जी ये वाला पार्ट आ रहा है जीरो से लेके टू पाई बाय थ्री तक ओके फिर आ रहा है फोर पाई बाय थ्री से लेके टू पाई ये आ रहा है। तो डू यू एग्री ये ब्लू रीजन तुम्हारा पार्ट है वेरी गुड नहिल सिंघल दिल खुश कर दिया डू यू एग्री ये मेरा पार्ट है आंसर यही आंसर है मेरा जीरो से लेके टू पाई बाय थ्री और फोर पाई बाय थ्री से जीरो कितनों को दिख रहा है कि मैं फोर पाई बाय थ्री को माइनस टू पाई बाय थ्री लिख सकता था और मेरा आंसर आ जाता माइनस टू पाई बाय थ्री से लेके प्लस टू पाई बाय थ्री माइनस टू पाई बाय थ्री से लेके टू पाई बाय थ्री आए नजारे आए नजारे तो होगा क्या तुम आंसर निकालोगे ऐसे ऑप्शन डी होगी ऐसे और बच जाएंगे बाजे सारी मेहनत बेकार तो अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन में याद रखना अगर तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली मैच कर गया वेरी गुड अगर मैच नहीं किया ना तो उसको प्लॉट कर लेना प्लॉट करते ही तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सी ऑप्शन है जो कि सेम ही चीज कह रही है बस लिखने का तरीका अलग हो गया टू एन पाई प्लस टू एन पाई प्लस पटाख गॉट इट शाबाश बहुत बढ़िया हम्म आगे देखो कहता है सॉल्व फॉर एक्स एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इन दे दी वो मजाक मजाक में, में कर दोगे, डब समझो तो डराने के लिए दी है फैक्टराइज करो वे भी कब से सवाल खत्म हो जाएगा टू टी स्क्वायर प्लस थर्टीन टी माइनस सेवन लेस देन जीरो क्या बन गए फैक्टर फोर्टीन टी माइनस टी माइनस सेवन जीरो बेटा आपका आंसर क्या आ गया टी जो आ गया माइनस सेवन से हाफ तक अब यहां पे आने वाले तुमको नजारे कितनों को समझ आता है कितनों को समझ आता है बिना बताए कितनों को समझ आता है बताओ मैंने t को माइनस सेवन से बड़ा था माइनस वन से लिख दिया आ गया समझ अरे तेरी दिल खुश कर दिया सर जी t जो था वो cos x था तो एनी हाउ माइनस वन से छोटा तो वो वैसे ही नहीं हो सकता तो जब वो कह रहा है माइनस सेवन से लेके हाफ तक तो मतलब माइनस वन से हाफ तक ही है क्योंकि माइनस वन से पीछे तो वो वैसे ही नहीं जाता ठीक है जी तो कॉज एक्स आ गया माइनस वन से हाफ आप चाहो तो ये मत भी लिखो क्योंकि तो वो तो ऑब्वियस है वो तो ऑब्वियस ही हुआ बेसिकली वो कह रहा है हाफ से छोटा होना चाहिए वो कहना चाह रहा है कॉज एक्स हाफ से छोटा होना चाहिए तो क्या तुम कॉज एक्स लेस एन हाफ नहीं निकाल सकते मजे से निकाल दोगे सोए सोए निकाल दोगे हाफ ये वाला एंगल आ जाएगा फाइव बाई थ्री और ये वाला एंगल आ जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई थ्री फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार सेम होता है होता है। तो कितना आ गया? टू पाई पाई फोर पाई, फोर पाई, बना, टू पाई, पाई, फोर पाई मुझे चाहिए कॉज एक्स हाफ से छोटा तो छोटा कहां कहां पे होगा ये रहा कॉज एक्स हाफ से छोटा तो यहां से लेके यहां तक सारे एंगल तो एक्स आ गया पाई बाई थ्री से लेकर फोर पाई बाई थ्री ये आंसर आया ओए ओपन इंटरवल ये आपका आंसर आया है एक राउंड में एक राउंड में और आपको करना है जर्नलाइज जर्नलाइज कैसे करेंगे बेटा टू एन पाई कर दो तो आंसर आ गया यूनियन टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री टू एन पाई प्लस फोर पाई थ्री वो तुमको ये समझ आ रहा है ना टू एंड पाई एड क्यों कर रहे हैं साइन एक्स कॉज एक्स इनका पीरियड टू पाई होता है पीरियड टू पाई है तो जो आंसर एक बार आ गया वो बाद में रिपीट होना है तो इस करके एक आंसर निकाल लेते हैं जीरो से टू पाई में बाद में रिपीट करते रहते हैं टू एंड पाई एड करके याद है ना चीज़ ये पीरियोडिक होता है ग्राफ साइन एक्स कॉज एक्स पीरियडिक होते हैं और रैंक तुमको ऐसे लेने हैं रैंक तुमको ऐसे लेने हैं पर रैंक से पहले तुम्हें एक चीज बतानी पड़ेगी अगर मैं सवाल में टेन एक्स दे देता अगर मैं सवाल में टेन एक्स दे देता टेन एक्स ग्रेटर देन वन तो था ये रहा ग्राफ टेन एक्स का माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इतने में आंसर निकाल दो बाद में एन पाई एड कर दो टेन एक्स का पीरियड पाई था ये रही टेन एक्स की एक वेव एक पूरा कर तो वन से बड़ा यहां पे वन है पाई बाय है, तो वन से बड़ा चाहिए मतलब पाई बाय से पाई बाय टू, तो टू। जर्नलाइज कैसे करेंगे एन पाई प्लस पाई बाय फोर से लेके एन पाई प्लस पाई बाय टू सबको चमक गया सबको चमक गया लैग हुआ था अभी दोबारा देख लो देख लो देख लो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कोई इतनी बड़ी चीज ही नहीं लिखी मैंने नाउ इट्स फाइन अभी बताओ अभी ठीक है अभी लैग तो नहीं हो रहा ओके okay, कंक्लूड कर देते कर देते कंक्लूड मत लो बात है कोई लिख ये लो पूरा रिपीट कर देंगे मैं क्या लैग कितनी हिम्मत की हमें तंग करे हम लैग को तंग कर देंगे बेटा आ जाओ कहता टेन एक्स ग्रेटर देन वन को सॉल्व करो हमने टेन एक्स का बना दिया एक पूरा वेव ये रहा माइनस पाई बाई टू से पाई बाय टू में एक वेव बनाना है पूरा आपको एक ही वेव सॉल्व करनी है साइन एक्स की एक ही वेव में आंसर निकालते हैं कॉज एक्स भी एक ही वेव में आंसर निकालते हैं बाद में टू एंड पाई एड करते हैं जर्नलाइज करने के लिए क्योंकि उनका पीरियड टू पाई होता है साइन एक्स की एक वेव में आंसर निकालो ये रहा वन पाई बाय फोर अगर वन से बड़ी वैल्यू चाहिए तो ये आ गया आंसर तो एक्स आ गया पाई बाय फोर से पाई बाय टू जर्नलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे क्या होगा एन पाई एड होगा एन पाई एड क्यों होगा क्योंकि टेन का पीरियड सर जी पाई था टेन का पीरियड पाई था सबको क्लियर सबको क्लियर हंड्रेड परसेंट आ रहे हैं जी बिल्कुल महाराज सब एंड ठीक है बस करने को तो जिंदगी में बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो बस करने वाले बनो ये क्लियर ओके और तुमको रैंक कैसे लेने सबको याद है सबको रैंक कैसे लेने ऐसे लेने जो तुम तैयारी कर रहे हो ना अगले साल तुम्हारा नाम यहां दिखना चाहिए अगले साल तुम्हारी फोटो लगानी है मेरे को कि तुम बच्चों को पढ़ाया था तुम्हारे नंबर आए हैं तुमने मेहनत की है तुम्हें इतनी मेहनत करनी कि तुम्हारी फोटो यहाँ पे लग जाए राइट right? सब पूरी पूरा इंडिया देखे कि ये बच्चा इतना रैंक लेके आया इतनी मेहनत की है इतना अच्छा रैंक हो कि तुम्हारा यहाँ पे आके इंटरव्यू करना पड़े कि इस बच्चे ने मेहनत की मतलब मेहनत को ऐसे लेके जाओ प्रॉमिस ग्रेट सो विद विट आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीटली ख़त्म होता है और के वी का बता देता हूं क्लियर आपको एन टी एस सी स्टेज टू सौ बच्चों ने क्लियर किया इस बारी जैसे एन टी एस स्टेज टू की आप प्रेपरेशन करके आप पहुंचते हो केवीपीआई की प्रेपरेशन आप इलेवंथ में करते हो बहुत ज्यादा और इलेवंथ में क्लियर करना आसान होता है राइट क्योंकि SA, KVPY SA कहते हैं इलेवंथ में राइट और ट्वेल्थ कोई एस एक्स कहते हैं एस ए को क्लियर करना आसान होता है कंपेरेटिवली तो आपको अगर केवीपीआई क्लियर करना है तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे एक तो क्योंकि इसके थ्रू आपको पता लगता है ऐसी चीजों के बारे में राइट एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप इसी इसी सेशन की डिस्क्रिप्शन में जाइए इसी सेशन की डिस्क्रिप्शन में जाइए कैसे जाएंगे ये देखो इस सेशन को ओपन कर दोगे बेटा दो बार क्लिक कर देना एक बार में नहीं हुआ तो और जो भी ऐड आग आएगी उसको म्यूट कर देना है ध्यान नहीं भटकने देना ध्यान पूरा यहां रखना है यहां पे आपको देखेगा गेट के वीपी वाई एस ए क्रैश कोर्स एट फोर थाउजेंड इसको क्लिक करना है आपने ओके तो यहां पे पहले सिक्स थाउजेंड लिखा होगा देखो जादू से फोर थाउजेंड हो गया ये जादू कैसे हुआ आपके भाई का कोड अपने आप अप्लाई हो जाएगा एवी के पी वाई बड़ा लंबा कोड है इसका ए वी के के वी पी वाई ठीक है बस ज्यादा ही ब्राइट दिख रहा है कुछ मैं थोड़ा डार्क कर दू ये तो मेरे को नहीं दिख रहा सामने स्क्रीन पे तुमको क्या दिख रहा होगा अब दिख रहा होगा क्लियर तो यहां पे बस आपने प्रोसीड टू पे कर देना बेटा जैसी प्रोसीड टू पे करोगे ये आपको लॉग इन करने को बोलेगा आई होप आपने साइन अप किया होगा बिता पे कहीं ना कहीं बस यहां से पेमेंट हो जाएगी ये एक प्रॉपर सिक्योर पेज है टेंशन बिल्कुल यह नहीं पेमेंट करके ज्वाइन कर लेना है अभी मेरा मानना यह है कि आपको ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए के वी पी एक तो अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है अगर आप क्लियर कर तो इट्स वेरी गुड सेकेंड केबर क्लियर ना भी हो इस क्रैश कोर्स के ड्यूरिंग आप जो सीख लोगे चीज़ें वो तुमको जेई की प्रेपरेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे क्योंकि के वी पी वाई जो है वो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर होता है जेई प्लस ओलंपियाड का अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं खासकर ठीक है फिजिक्स में भी लेवल एडवांस टाइप का होता है के वीपीवाई में तो होता क्या है कि जब आप इस के वीपीवाई की तैयारी करते हो ना तो उस दौरान आपका जो दिमाग है वो पकता है थोड़ा सा तैयार होता है अच्छा और ये सही टाइम होता है तैयारी करने का प्लस टू में के वीपीआई की तैयारी थोड़ी सी मुश्किल होती है बट इलेवेंथ इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर के वी तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा वेदर यू एस्पायर फॉर के वी और इवन इफ यू डोंट एस्पायर फॉर के वीपीवाई डू ज्वाइन दिस के वीपीवाई क्रैश कोर्स एंड उसमें पूरा फायदा लो इसमें आपका पूरा कोर्स चलने वाला है जिसको अभी बिगिनिंग में जिसने नहीं सुना था मैं हल्का सा बता देता हूँ कि इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी आपको कहीं तो मिलेगी आजा बेटा कहीं तो आ जाए गुस्सा निखाना इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी इसके पेज पे यहाँ पे होगी शायद नीचे जाओ यहाँ पे नहीं है कम कोई तो डिटेल दे दो इसकी या फिर मैं दिखाता हूँ ये लो टेंशन नहीं लेनी यहाँ से इसमें आओ ये रही इसकी डिटेल बेटा के वी पी वाई की डिटेल ये रही खुल जा बेटा खुल जा ऊपर आ जा ऊपर ऊपर आ जा ऊपर आ जा ऊपर आ जा ऊपर आ, आ, आ जा बड़ा पढ़ लिया आज हम यार इतना पढ़े भाई बड़ा हमारा ये रहा इसका पूरा डिटेल बेटा ओके इसमें एट्टी लाइव क्लासेस चल रही है आपकी ट्वेंटी असाइनमेंट पर सब्जेक्ट मिलेंगे टेन पार्ट टेस्ट और पांच फुल टेस्ट होंगे KVPY के वी पी वाई के फॉर्मेट में एंड ये पूरा फिजिक्स किमिस्ट्री मैथ बॉटनी जूलॉजी बिकॉज इसमें पूरा आता है पीसीएमबी ओके okay, सो so आप चाहो और जो के वी एस्पायर कर रहे हैं लेट मी टेल यू नॉन मेडिकल के बच्चों इसमें बायोलॉजी आपको बहुत चुनिंदा पढ़नी होती है और इस क्रैच कोर्स आपको उतना ही पार्ट बताया जाएगा कि ये आपको तैयार करना और आपको तैयार करवाएंगे ठीक है सो प्लीज़ 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 इट्स मे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन डू गो फॉर दिस क्रैश कोर्स इवन इफ यू आर नॉट एस्पायरिंग फॉर के बिकॉज यहाँ पे जो कि तैयारी होने वाली तैयार होने वाले हो आप वो बहुत अच्छा है एंड येस yes, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ तो लेट मी टेल यू इट इज़ फ्री फॉर यू अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो इट इज़ कम्पलीटली फ्री फॉर यू और इसमें मैथ पढ़ाने वाले हैं मेरे बहुत क्लोज बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड अंकित कुमार सर अंकित कुमार सर इतने प्रिय हमारे मित्र हैं कि आप उनसे क्लास लेंगे ना आपको मज़ा ही आ जाएगा उनके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है उनमें ना जब वो बात करते हैं बड़े मतलब मीठे उनके ना, लोगों की ना आवाज़ मीठी सी होती है आपने ऑब्जर्व किया होगा जब वो बात करते हैं कि वॉम्थनेस होती है एक हल की सी हंसी होती है तो उनके आपको वो मिलेगा तो आप जब अंकित सर की क्लास लगाओगे ना इसमें मज़ा आ जाएगा बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे उनके उनसे मेरे, मेरे बारे में बात करना मजे लेना ठीक है सो तो इसमें अंकित सर पढ़ाएंगे आपको मैथ्स बहुत बहुत शांत किस्म के इंसान खुशनुमा मज़े से पढ़ाने वाले हाँ विनय सर जैसे कह सकते हो पर आवाज़ उनकी मीठी मीठी है अंकित सर की मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे टमाटर वाले सर की आवाज़ मीठी नहीं है पर टमाटर वाले सर की आवाज़ बहुत भारी भरकम है ना ऐसे बट uh, जो विने अंकित सर है उनकी बात बड़ी मिठ्ठी थी है प्यारी प्यारी सी <laughs> हाँ बेटा मेरे माइक्रो आने वाले हैं बस ये जेई मेन के डिस्कशन खत्म होने की वेट कर रहा हूँ टॉपिक बता देता हूँ uh, मैं दो माइक्रो लॉन्च कर रहा हूँ एक लॉन्च कर रहा हूँ एंड ट्रिगोमेट्री फाउंडेशन टू मैं फाउंडेशन वन पहले कर चुका हूँ लॉन्च पहले किया था वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा उसमें आपको कंप्लीटेड में चेक करना होगा माइक्रो कोर्स में एंड ट्रिगोमेट्री फाउंडेशन वन चेक करना तो आपको मिल जाएगा मेरा और अल्जेबरा एंड ट्रिगोमेट्री फाउंडेशन टू का माइक्रो कोर्स मैं अब लॉन्च करने जा रहा हूं आफ्टर मेन डिस्कशन और एक मैं माइक्रो लॉन्च करूंगा वो माइक्रो कम एक डिस्कशन सेशन सेशन है है गाइडेंस जहां पे मैं मोहित सर और विनय सर तीनों आएंगे इलेवंथ uh, के बच्चों को गाइड करने के लिए ये अब तक आपका स्टेटस अगर जैसा भी है इसके आगे, आगे आपको कैसे मैनेज करना है ये दो uh, लेके आ रहा हूँ माइक्रो कोर्सिस में ठीक है और हाँ uh, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें सब्सक्रिप्शन वालों के लिए गॉड वैसे बेटा सब्सक्रिप्शन वालों के लिए ये क्रैश कोर्स कंप्लीटली फ्री है कंप्लीटली फ्री ठीक है तो अगर आप सब्सक्रिप्शन में हो वेरी गुड अच्छा एक बार बात आऊं तुम वैसे ही सब्सक्रिप्शन ले लो तुम्हें माइक्रो कोर्स ये जो है के बी पाई वैसे फ्री मिल जाएगा <laughs> तो सब्सक्रिप्शन ये रही इलेवेंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो गो फॉर दिस लिंक इस पेज पे जाएगा यहां पे आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो राइट right? अगर आप लाइट लेते हो तो आपको ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का है ये वन मंथ ट्रायल अगर आप क्लासिक लेते हो जहां पे आपको पोस्ट क्लास डाउट ऐप का एक्सेस मिल जाता है तो वो थर्टी सिक्स हंड्रेड पर मंथ है और आपको पर्सनल मेंटर का एक्सपीरियंस करना है कि पर्सनल मेंटर से क्या फायदा होता है तो आपको फिफ्टी फोर हंड्रेड है और अगर आपको वी आई पी बैच में आना है जो कि यस अभी आपको एंट्री मिल रही है अगर वी आई पी बैच में आना है तो आपको इसी में फुल फुल टू ईयर का प्लान लेना है ये फुल टू ईयर का फीस लिखा हुआ है अगर आप फुल बैच ज्वाइन करते हो लॉन्ग तो ये फुल टू ईयर की फीस है तो आपको ये चॉइस कर लेना कि आपके लिए क्या बेटर है ठीक है सो so विद हम चलते हैं और आपके बैकलॉग के लिए खुशखबरी है जो कि हम अभी आपको देंगे दस मिनट बाद फोन से लाइव आकर अभी नहीं दस मिनट बाद देंगे फोन से लाइव आकर जस्ट वेट फॉर टेन मिनट्स ठीक है अभी मिलते हैं फोन पे मुझे आगे हाजिरी लगा देना प्रेजेंट सर अभी अभी दस मिनट बाद ही लाइव आऊंगा फोन पे ठीक है फिर मिलते हैं थोड़ी गपशप मारेंगे और आपको आपके बैकलॉग के रिगार्डिंग एक बहुत प्यारी खबर देंगे ठीक है गॉड ब्लेस यू खुश रहो एंड वो uh, okay, के वी पाई का रिजल्ट और फिर वो इसका रिजल्ट जो था ना बेटा वो आ गया था सी बी टी मोड का टेस्ट आ, रिजल्ट आ गया था मेरे पास मैं टॉपर्स बता देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे ऐड करना तो भूल गया पर मैं टॉपर्स बता देता हूँ जो उसमें टॉप किए थे सी बी टी मोड टेस्ट में लास्ट वाले में मैं वो रिजल्ट बता देता हूँ अभी मैं यहां तो ऐड नहीं करवाया टेंशन मत लो एटलीस्ट नाम तो बता देता हूं मैं कौन थे टॉपर्स सी uh, बी टी ये रहा तो बेटा जी उसमें टॉपर्स थे तुम्हारे एक मिनट कहा गया रिजल्ट है? ये रहा हाँ ये रहा रिजल्ट बिलो तो बेटा जी उसमें जो आपके सीबीटी जो लास्ट सीबीटी मोड का टेस्ट हुआ था उसमें टॉप टेन पोजिशन मैं बता रहा हूं अगले सेशन में मैं कोशिश मतलब बोल दूंगा कि वो ऐड भी कर देंगे एटलीस्ट आज कल वो जय मे का डिस्कशन चल रहा है पूरा ध्यान उधर लगा हुआ है और आप समझते हैं आपके सुपर सीनियर जो ये चल रहा है उनका भी जिस करके ना ये चीज़ें थोड़ी सी आप बस एडजस्ट करो वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि आपकी रेगुलर क्लासेस ना हैम्पर हो तो हम आपकी रेगुलर क्लासेस जरूर ले रहे हैं बट बाकी काम थोड़े थोड़े हैम्पर हो रहे हैं तो प्लीज़ हम पे आप थोड़ा कॉर्डिनेट करिए कॉपरेट करिए तो बेटा आपके टॉप जो पोजिशंस हैं मैं नाम ले रहा हूँ फ्रॉम वन टू लेकेट पहले दस बारह पोजिशंस आपका नाम नहीं भी आया टेंशन मत लेना ठीक है बाकी मैं ये रिजल्ट पूरा लगवा दूंगा मैं काम करूंगा अभी क्या अभी? अभी, क्या अभी टेलीग्राम ग्रुप में ये रिजल्ट देन हीत, देन प्रत्यक्ष भारद्वाज सनिध्या ओझा आदित्य देवनाथ आदेश गुप्ता आदेश तो यह भी बैठा था वेरी गुड यार अथर्व अथर्व लास्ट भी था शायद एक डी आई डी डब्ल्यू एम ब्रह्मा ये तो नाम बड़े अजीब से तुम्हारे ओम साहू प्रिंस पतवा आदित्य कुमार सिंह कांग्रेस बेटा संतोष कुमार सिंह संतोष कुमार शाह सुबी कुरी ये कुछ पहले पंद्रह पोजिशन है एंड टॉपर के जो मार्क्स हैं ओवरऑल वो है ओवरऑल 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 कहाँ गया आजा, आजा 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 ये रहे ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छा है 92 परसेंट है 276 मार्क्स है देन 264 261 260 258 254 248, 243, 242, 229, 226, ये कुछ टॉप टू फोर्टी के मार्क्स हैं वेरी गुड नजारे आ गए बहुत बढ़िया और ओवरऑल जो बच्चों ने पेपर दिया है कितना जा रहे है फाइव हंड्रेड फोर्टी के आसपास बच्चे हैं फाइव हंड्रेड फोर्टी बच्चों ने पेपर दिया है ठीक है तो ठीक है थोड़े और बच्चों को देना चाहिए कम बच्चे दे रहे हो भाई अच्छे से टेस्ट दो तुम्हारे लिए सीबीटी मोड में टेस्ट ले रहे हैं फ्री में तुम मिस कर रहे हो होपॉर्चुनिटी को बेटा प्रैक्टिस करो ठीक है वेरी गुड गणेश एंड बेटा सब्सक्रिप्शन uh, आप जरूर लो अगर आप कोचिंग लेनी तो, ले तो वेदांतों पे लेनी है खत्म बट के वी पी वाई ज़रूर पढ़ना वो स्ट्रॉग रिकमेंडेशन है मेरा मिस मत करना के वी पी वाई का क्रैश कोर्स मिस मत करना ईजिली नहीं मिलता बहुत बहुत कम जगह पे कराया जाता है यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है एंड दैट टू ओनली इन फोर थाउजेंड रुपीज़ सो डू ज्वाइन दैट ठीक है ओके बाय बाय गॉड ब्लेस यू टेक केयर अभी मिलता है दस मिनट बाद लाइव आ रहा हूँ ब्लेस यू बेटा सी यू